हेलो, मैं वेलकम जनरल बख्शी सर। थैंक यू सर। A very good evening to everyone present over here on the dais. We have with us Major General G.D. Bakshi sir, R.A. Litte sir, and Dr. D.G. Belgaonkar sir, General Secretary CHMS Society. As you May I request everyone to please rise and pay Shraddhanjali to all the warriors. ओम शांति। थैंक यू। टू बिगिन टुडेज इवनिंग मे आई कॉल अपॉन भोसला मिलिट्री कॉलेज गर्ल्स फॉर वेलकम सॉन्ग। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम मित प्रियम भारत भारतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम नित्य निरंतरता जो अनिवार्य नहीं थमता सारथि साथ मनोरथ का जो अनिवार्य नहीं थमता स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम थैंक यू। एज वी ऑलवेज बिगिन अवर एनी ऑस्पिशियस फंक्शन विद द लाइट
मैं नाउ रिक्वेस्ट श्री नितिन जी गर्गे सर टू इंट्रोड्यूस टुडेज प्रोग्राम. सर्वांगीय व्यासपीठ आणि मान्यवर सभागृह आपल्या सर्वांचं मी त्याच्या प्रथम पुरस्कारामध्ये स्वागत करतो. सेंट्रल एज्युकेशन सोसायटी CHMAS 1935 साली स्थापना सदस्य सालापासून गोष्ट मॅनेजमेंटची सुरुवात. या सगळ्यांची स्थापना करणारे आमचे संस्थापक डॉक्टर बाळकृष्ण शिवराम गुंजे. एखाद्या माणसाला 64 वर्ष असं वाटत की आपण एखादी संस्था चालू करावी, त्याचं रोपट लावून त्या गटपक्षात व्हावं. 60 वर्षी आम्ही रिटायर होतो आणि त्यांनी 64 काम चालू केलं. विचार काय केला त्यावेळेला, पारतंत्र्यात आहोत आणि केव्हा ते स्वातंत्र्य मिळणार नक्की आहे, प्रयत्न चालूच आहे. ज्या वेळेला स्वातंत्र्य मिळेल त्यावेळेला आमच्या राष्ट्राचं एक संरक्षण दल असलं पाहिजे, किती लांबची दृष्टी आहे. आणि त्यातही पुन्हा या देशातल्या मुलींना मिलिटरी ट्रेनिंग मिळायला पाहिजे हा विचार करून संस्था चालू केली. त्यावेळेला पहिल्या वर्षी 90 मुलं होते फक्त, आज गेल्या 82 वर्षामध्ये मोठा फरक असलेला आहे. हे जर करताना राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रभक्ती आणि देशभक्ती हाच फक्त मुद्दा. स्वातंत्र्यवीर सावरकर असतील, लोकमान्य टिळक असतील, या सगळ्यांच्या बरोबर त्यांचे संबंध त्या काळात सगळे राष्ट्रभक्तीने प्रेरित झालेले माणसं. खरं तर राष्ट्रभक्तीने वेडे झालेले माणसं आहे. त्यांनी संस्था स्थापन केली आणि त्यांची कल्पना होती फक्त मिलिटरी ट्रेनिंग आणि मिलिटरी ट्रेनिंगच मिळायला पाहिजे. अभ्यास तर आहे, तो सगळ्यांना करावा, आपण ते करतो झालो. मिलिटरी ट्रेनिंगची गरज तेव्हा ओळखून संस्था स्थापन करून आज इथे चालू आहे आणि त्याच उद्देशांना आपण जागून आहोत. गेल्या काही वर्षांपासून आपण डॉक्टर मुंडेंच्या जयंती निमित्ताने 3 दिवसीय फक्त संरक्षण या विषयावरती त्याच्या अवतीभोवती फिरणारे विषय घेऊन आपण व्याख्यानमाला आयोजित करतो. अनेक राष्ट्रीय पक्षांचे आंतरिक पक्षांचे व्याख्याते येतात, आलेत, त्यांनी आपल्या वेगळ्या विषयाचं मार्गदर्शन केलेलं आहे. त्याचा आपण खूप मोठा फायदाही करून घेतलेला आहे. तांबे सर त्याचे काम चालू केलं गेल्या 7 वर्षापासून. दरवर्षी आपण त्याच्यासाठी कॉन्फरन्सही घेतो. आणि सगळ्यात चांगली आणि महत्वाची गोष्ट, डॉक्टरजींचं जे स्वप्न होत मुलींसाठी सैनिकी शिक्षण, आपण 2012-13 पासून मिलिटरी स्कूल फॉर गर्ल्स चालू केली. पहिली बॅकची चांगलीची बाहेर पडली. आणि आनंदाची गोष्ट अशी की आपण या वर्षी पासून चालू केलेलं आहे. सपोर्ट इंडस्ट्री चांगली गोष्ट, सरकारने एनडीएमध्ये मुलींसाठी प्रवेश ओपन केलेला आहे. स्वप्न डॉक्टरांनी पाहिलं होतं साधारणपणे 80-82 वर्षांपासून. लाल स्वभाव आला पाहिजे आणि जे स्वप्न उठवणार म्हणजे प्रत्यक्ष त्यांनी जर सुरू केलं आपण सगळे प्रयत्न करू. त्याच्यामध्ये आपण प्रवेश आज सकाळी आपली पहिली व्याख्यान आणि पुढचे वर्षभर आपण अनेक कार्यक्रम या निमित्ताने घेतलेले आहेत. समाजापर्यंत आणि एकूणच युवा शक्ती जिथे आहे त्यांच्यापर्यंत युवा शक्ती असं त्याचा असा कसा वापरला की 12 जानेवारीला जयंती 12 डिसेंबर ते 12 जानेवारी एक महिना आम्ही युवा शक्ती चेतना चांगलं सुरुवात खूप चांगली. 2022 आपण पोहोचलेला असू आणि परत ते चांगला पार पडलेले
Thank you, sir. Now, may I introduce the guests on the dais? We have with us, we are a legislator. He has done LLB in 2007. We have with us, then master in law. We are a legislator. He has done LLB in 2007, then Master in Law from Sant Gadge Baba Amravati University. From 2010 to 2013, he practiced and also he worked as a lecturer in Law College at Akola. Through MPSC exams, he was appointed as Assistant Charity Commissioner. He is in Nasik as Assistant Charity Commissioner. And we have with us Medical Dr. G.D. Bakshi sir, SN, VSN. Commissioner. John Bakshi joined Indian Army in November 1971. He was first commissioned in 6th Jammu and Kashmir Rifles. In November 1971. He then took part in 1971 war. Then he commanded his battalion in active operations in Kargil and was awarded Vishisht Seva Medal. Then he commanded his battalion in active operations in Kargil and was awarded Vishisht Seva Medal. Later he commanded a brigade in counter-terrorist operation in the Kishtwar and was awarded Sena Medal. He subsequently commanded the repeated Romeo force during intensive counter-terrorist operations in the Poonch districts of Jammu and Kashmir. He has also served two tenures in Directorate General of Military Operations. He was at the Indian Military Academy Dehradun and the prestigious Defence Services Staff College at Wellington. He taught at the National Defence College at Academy Dehradun and the prestigious Defence Services Staff College at Wellington. He taught at the National Defence College at New Delhi. Then he retired from his degree in defence and prestigious assignment in June 2008. He completed his PhD on liberal arts. He holds a master's degree in defence science and MPhil in strategic studies.
He completed his PhD on limited loss in association. He is an associate member of ITSA. He is a prolific writer on matter military and non-military and has published 35 books and 300 papers in many prestigious research journals. He appears regularly on major TV news channels on the subject of and national security. We have with us Honorable Dr. B.G. Vaidyanathan sir, to please welcome Secretary of Central Hindu Military Education Society. May I request Dr. B.G. Vaidyanathan sir to please welcome Chief Guest R.A. Lipte sir. Thank you, sir. Now, may I request Dr. D.G. Belgaonkar, sir, to please welcome General Bakshi, sir. Thank you very much. Now, may I request today's chief guest, Sri R.A. Lipte sir, thank you very much for our speech. Now, may I request today's chief guest, Sri R.A. Lipte sir, for a speech. Sarvanna Sasnira Namaskar. आदरणीय मंचावर उपस्थित जनरल बक्षी सर, नमस्कार. संस्थेचे आदरणीय जनरल सेक्रेटरी मंचावर उपस्थित श्री बेलगावकर सर, जनरल बक्षी सभागृहामध्ये सेक्रेटरी उपस्थित बेलगावकर सर, संस्थेचे इतर सर्व पदाधिकारी मान्यवर कर्मचारी आज या सभागृहामध्ये उपस्थित आज संस्थेचे इतर सर्व पदाधिकारी आदरणीय बक्षी सर असताना त्यांच्या उपस्थितीमध्ये मला हा सन्मान संस्थेने दिला त्याबद्दल सर्वप्रथम मी बक्षी सर असताना मनपूर्वक आभार व्यक्त त्यांच्या उपस्थितीमध्ये मला हा सन्मान संस्थेने दिला सध्या त्याबद्दल सर्वप्रथम मी संस्थेचे बक्षी सरांचा मनपूर्वक आभार व्यक्त आपल्याला सर्वांना करून देण्यात आला. तो परिचय ऐकल्यानंतर सध्या त्यांचं कर्तृत्व जनरल बक्षी ऐकल्यानंतर परिचय मला असं वाटतं की आपण एक दव बिंदू सारखे त्यांच्या परिचय ऐकल्यानंतर त्यामुळे मी माझ्या भाषणामध्ये जास्त वेळ न घेता मला असं वाटतं की आपण सरांना ऐकायला उत्सुक आहे त्यांच्या समोर आहोत. खर तर त्यामुळे मी माझ्या भाषणामध्ये जास्त वेळ न घेता मी आज बक्षी सरांना ऐकायला जो उभा आहे तो खर तर या संस्थेचा एक पालक म्हणून इथे आलो. इथे कारण सहायक मी आज आयुक्त संघटना जी मूळ कार्य असं आहे की नोंदणी करून देणे आणि संस्थेचं याची मला असं वाटतं देखरेख करणे सेंट्रल हिंदू मिलिटरी एज्युकेशन सोसायटी प्रोत्साहित करणे या संस्थेबद्दल मला वेगळी पोहोचपावती देण्याची गरज नाही. मला असं वाटतं सेंट्रल हिंदू मिलिटरी एज्युकेशन सोसायटी गेल्या अनेक वर्षापासून जसं सरांनी सांगितलं होतं 1935 साली मूळ शाळा इथे सुरू झाली त्यानंतर 1986 साली गेल्या अनेक वर्षापासून सरांनी सांगितलं की 1935 साली महाविद्यालय इथे सुरू झाली आणि या शाळेमधून महाविद्यालयामधून राष्ट्रीय पातळीवर कॉलेज क्षेत्रामध्ये महाविद्यालय इथे सुरू झाली
आणि ह्या शाळेमधून महाविद्यालयामधून राष्ट्रीय पातळीवर वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये अनेक विद्यार्थी यांनी एक भूषण या संस्थेला प्राप्त करून दिलेला आहे. संस्थेतले अनेक विद्यार्थी हे सैन्यामध्ये रुजू झालेले आहेत आणि राष्ट्रसेवेत आहेत. अशा स्थितीमध्ये मला असं वाटतं की जे कोणत्याही राष्ट्राची सुरक्षा ही फार महत्त्वाची असते आणि ती सुरक्षा अजून बळकट व्हावी, अभेद्य व्हावी याचं मूळ काम ही संस्था करत आहे. त्यामुळे ही संस्था फक्त नाशिक, नागपूर किंवा इतर एखाद्या शहरापुरती भूषणावर्य नसून ही संपूर्ण देशासाठी अभिमानास्पद बाब आहे की ही संस्था एवढं चांगलं काम करते आहे. सो बीइंग अ गार्डियन ऑफ द ट्रस्ट मी एवढंच म्हणेल की ह्या संस्थेने जे चालवलेलं जे अविरत कार्य आहे हे कार्य अजून मोठं व्हावं, या कार्याला पालक म्हणून आम्ही आपल्यासोबत नेहमीच आहोत, इथूनही पुढे राहू. बक्षी साहेबांच्या उपस्थितीमध्ये मला बोलायला 2 मिनिट वेळ दिला त्याबद्दल मी पुनश्च एकदा आभार व्यक्त करतो आणि थोडक्यात माझं जे मनोगत आहे ते थांबवतो आणि कार्यक्रम पुढे घ्यावा अशी आपल्याला विनंती करतो. धन्यवाद. थँक यू सर, थँक यू व्हेरी मच. नाउ मे आय रिक्वेस्ट श्री अनिरुद्धजी तेलंग सर फॉर इंडिव्हिज्युअल सॉन्ग. गौरव मंडित अपना अतीत है, गौरव मंडित अपना अतीत है, भविष्य उज्ज्वल महा, आओ हम बदलें वर्तमान, आओ हम बदलें वर्तमान. पश्चिम का कलुष प्रवाह प्रबल, संस्कृति सूरज को ग्रास रहा, मानव से मानव का नाता, मानवता पथ त्याग रहा. पशु बल उभरा, आतंक बढ़ा, विघटित विचलित जन मन उघड़ा, प्यासी वसुधा से कह दो हिंदुत्व सुधा का करे पान, आओ हम बदले वर्तमान. इस हिंदू सुधा के प्राशन से मिट जाए भेद विभेद सभी, जितने मत उतने ही पथ है, नाम विविध पर सत्य वही, यह सत्य व्यापिनी संस्कृति है, जड़ चेतन जीव सभी शिव है, यह सत्य धर्म जब आहत हो जागे पुनरपि भारत महान, आओ हम बदले वर्धमान. है संघ शक्ति की
चाहयही भारत जग जननी पद पाए हर जीवन सुखी निरामय हो विज्ञान ज्ञान रस बरसाए अर्जित करने इस वैभव को शत शत जीवन अर्पित मां को युग परिवर्तक वीरव्रती हम बदलेंगे सारा जहां आओ हम बदलें वर्तमान गौरव मंडित अपना अतीत है भविष्य उज्ज्वल महा आओ हम बदलें वर्तमान Thank you, sir. Thank you very much. Now, the time has come to listen to General Bakshi, sir. So may I request General Bakshi, sir, to please address us. And may I request the other guest, would you like to have seat in front of the dais, sir? Yeah. Thank you, sir. I request General Bakshi, sir, to please address us. Mr. Lipte, Charities Commissioner, Dr. Belgaonkar, Captain Naravne, ladies and gentlemen, सर्वप्रथम मैं बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा भोंसले मिलिट्री कॉलेज एंड स्कूल को, जिनके सौजन्य से मैं आपके सन्मुख आ सका, और यहाँ से बहुत नज़दीक 40 गांव हैं, जहाँ मेरे दीक्षा गुरु स्वामी प्रणवानंद सरस्वती उनका आश्रम हुआ था, और 1974 में मेरा पहली बार उनसे संपर्क हुआ था। एक इंजीनियर थे, एक मल्टीनेशनल में मैनेजर थे, लाखों करोड़ों की संपत्ति, उस समय एकमात्र पुत्र थे, मतलब पूरे कुल में वो एकमात्र कुलदीपक रह गए थे। वो 27 साल की उम्र पे सबको लात मार के वो आए, स्वामी मुक्तानंद परमहंस के आश्रम में गणेशपुरी पहले गए, फिर वहाँ देखा कि विदेशियों का तांता लग रहा है, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, यूरोपी, तो वो छोड़ के यहाँ जो अजंता एलोरा पित्तलखोरा की प्राचीन गुफाएं हैं उनके बीच एक तपोवन है जहाँ कभी भास्कराचार्य का आश्रम होता था, जिन्होंने जीरो का निर्माण किया, जगत को जीरो दिया, और वहाँ उन्होंने एक घास की पर्ण कुटी, वो आपने सुना होगा पंचवटी में, पर्ण कुटी किरिहों कत है तब पूछती हैं करणों अब केतिक पर्ण कुटी किरिहों कत है। पर्ण कुटी मीन्स वो घास की छत वाली आश्रम जैसा 5-10 हजार साल पहले था उन्होंने बनाया, और वहाँ 12 साल घोर तपस्या करी उस तपोवन में, वो बड़ा मशहूर तपोवन, बहुत ही प्रसिद्ध तपोवन है। तो आज सुबह हम दर्शन करके आए उसके, मैं बहुत आभारी हूँ आपका, बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे अपने गुरु भूमि के दर्शन हुए। और जब भी मैं महाराष्ट्र आता हूँ और कोई वक्तव्य देने के लिए बुलाता है तो सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर आप सबको प्रणाम करता हूँ, जो महाराष्ट्र की पावन संत भूमि के आप वीर हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज की ये भूमि, वीरों की ये भूमि, और मैं आपको बताना चाहता हूं
कि देखिए दसवीं सदी से लेकर कोई 18वीं सदी तक एक बड़ा जो है त्रासदी का दौर चला इस भारतवर्ष में। एक के बाद एक आक्रमणकारी आए, हमारे शहर जला दिए, हमारे जो नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे उनको आग लगाई। जब नालंदा को आग लगाई तो वो 6 महीने इतनी किताबें थी कि वो जलती रही, सोने की चिड़िया इसको कहा जाता था। कहां गया आपका सोना? मैं पूछता हूं, कहां गया तुम्हारा सोना? आप उसकी रक्षा नहीं कर सके, आपका सोना लूट लूट के ऊंटों पे लाद के वो काबुल, समरकंद, बुखारा, वहां जाइए, आपको वहां जड़ा मिलेगा उनके उनके महलों में। अरे साहब, सोना तो आप भूल जाइए, आपके तो मंदिर तोड़े, आपके तो औरतों का सामूहिक बलात्कार हुआ, उनको ले जाके बेचा गया, ठीक है, as slaves they were taken and sold in the brothels of Bukhara and Samarkand and Kabul। लेकिन आपको शर्म नहीं आई, आपको शर्म नहीं आई? ये 6-8 शताब्दी दमन चक्र जो चला, उसके बाद आपने क्या सीखा? चरखा कातना। आपने चरखा कातना सीखा, आपने दूसरी गाल आगे करना सीखा कि एक गाल पे चाटा मारे दूसरी गाल आगे करो। किसने कहा? किसने कहा? ठीक है साहब। और ये जो ढकोसला जो यहां पे एक प्रथा चालू कर दी गई थी, इसको एक्चुअली जब एक ऐतिहासिक प्रक्रिया भारत में हुई जो आपको इतिहास के पन्नों में नहीं मिले, लेकिन अब वहां नहीं पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि भारतवर्ष में क्या हुआ। एक जो मेरे को खास सब्जेक्ट दिया है एड्रेस करने के लिए कि आज से 30 साल बाद आप भारत को कहां देखते हैं, वेयर यू आर गोइंग डिपेंड्स अ लॉट ऑन वेयर यू केम फ्रॉम। अरे साहब, हम कहां जा रहे हैं बहुत हद तक मुनस्सर है, हम कहां से आए, किस रास्ते आप आए, ठीक है। तो ये रास्ता समझना बहुत जरूरी है, और खासकर क्योंकि भोसला मिलिट्री कॉलेज और भोसला मिलिट्री स्कूल के बच्चे बालक यहां बैठे हैं, एनडीए के एस्पिरेंट्स यहां बैठे हैं, सबसे पहला मेरा एड्रेस आपको, क्योंकि आप इस देश की धरोहर, यू आर द फ्यूचर। देखिए हिंदी में कहते हैं कल, आज और कल, मैं वो कल हूं सफेद बालों वाला जो बीत गया, रामने साहब बैठे हैं सफेद मूछें हो गई हैं, ये वो कल है जो बीत गया, सफेद बालों वाले मेरे भाई बैठे हैं, ये वो कल है जो बीत गया, लेकिन दूसरा कल है जो आने वाला है। आप हो भारत का फ्यूचर, आप हो भारत की धरोहर। और रिटायरमेंट के बाद मैंने बस एक प्रण उठाया है कि मैं जितने ज्यादा स्कूल कॉलेज जा सकता हूं मैं जाऊं, ठीक है, और बच्चों से बात करूंगा। मेरा काम सिर्फ यह है, एक जलती मशाल हमें हमारे पूर्वज दे गए, वही जली हुई मशाल मैं आपको देकर जाना चाहता हूं। मैं आपको तभी जो है जगा सकता हूं जब मैं खुद जगा हुआ हूं। सोता दूसरे सोते को नहीं जगाता ऐसे करके, जो क्लास में जाग रहा होता है ना, जब हम एनडीए में सोते थे बहुत थक जाते थे तो हमारा साथी ऐसे कोहनी मारता था, गेट अप इंस्ट्रक्टर देख रहा है तुमको, अभी अभी फ्रंट रोल शुरू हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर हम लोगों को अंधेरे को कोसने की बहुत आदत है, डोंट कर्स द डार्कनेस, लाइट अ कैंडल। साहब अंधेरे को मत कोसिए, एक मोमबत्ती जगाइए, एक दिया जगाइए, और अगर जलती शमा है, जलती लौ है, बहुत हजारों दीपक जला दे, हजारों दीपक जला देगी, तभी हम हर अपना सभा दीप ज्वलन से वो जो है उसकी शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के बारे में बताना चाहता हूं, और वो ऐतिहासिक प्रक्रिया है जिसे मैं अंग्रेजी में कहता हूं द इंडियन मिलिट्री रिवाइवल, भारतीय सैन्य शक्ति का पुनर्जागरण, भारतीय सैन्य शक्ति का
पुनरुत्थान। जब तक ये नहीं होगा बाकी कुछ नहीं होगा, ठीक है। जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, और ये प्रक्रिया आज शुरू नहीं हो रही, ये प्रक्रिया छत्रपति शिवाजी महाराज ने शुरू की थी मराठा, मराठाओं के देश में, सख्त मराठा, बहादुर मराठे, तगड़े मराठे, सख्त हड्डी वाले, पहाड़ चढ़ने वाले, ठीक है। उन्होंने ये क्रांति भारत में शुरू करी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने, हिंदू पातशाही के साथ जो इंडिजिनस लोग थे भारतवर्ष के, उनकी सोती शक्ति को जगाया। दक्षिण में ये कार्य का शुभारंभ छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। आप उस धरोहर, उनकी धरोहर, आप उस श्रृंखला में एक कड़ी हो, तभी आपको फर्क होना चाहिए मराठा होने का, भारतीय होने का, ठीक है। यहां उत्तर भारत में श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने यही प्रक्रिया शुरू करी। लोगों को त्रास दिया जा रहा था, जब तक अकबर था तो थोड़ा बहुत हालत ठीक थी, वो सेक्युलर माइंडेड था, लिबरल था टू एन एक्सटेंट, और वो दीने इलाही शुरू किया था, सब धर्मों को मिलाना चाहता था। जहां औरंगजेब आया दमन चक्र और क्रांति शुरू करी, मतलब सर काटने शुरू किए, मंदिर तोड़ने शुरू किए, धर्म जो है परिवर्तन शुरू किया, जजिया टैक्स दोबारा लगाया, मतलब आक्रांता, त्रास दिया पूरे देश को। उस वक्त मेरे पूर्वजों में से बहुत सारे गुरु गोविंद सिंह जी के अनुयायी थे, भाई माटीदास मेरा वंशज, हमारे वंशज, भाई सतीदास, मतीदास, ये तीनों भाई हमारे वंशज, बाबा परागा हमारा वंशज है, ठीक है, बंदा बैरागी हमारे वंशज है। भाई मतीदास को आप जानते हैं क्या किया गया, उसको लकड़ी के पट्टों में इस तरह वो बंद करके, स्टील करके, और ऐसे सर से पांव तक चीरा गया, और बीच में रोक रोक कर पूछा गया, करेगा धर्म परिवर्तन, थूकेगा अपने गुरु पे। जब उसने खून बहती हालत में भी सिर हिला दिया, फिर और उसको चीरा, अरे साहब मारना तो मारना होता है, दीज आर आर्टिस्ट ऑफ टॉर्चर, आर्टिस्ट ऑफ बड़ी टॉर्चर, तरीके चुन चुन के मारे दूसरे को, वो बंदा बैरागी की पूरा मांस वो जलते उनसे नोच नोच के उनके चीथड़े उड़ा दिए, उसके बेटे को उसके सामने मारा, बोला इसका कलेजा खा। अब जानते हो आपके पूर्वजों ने क्या सहा, और ये, लेकिन देखिए 100 वर्ष के अंदर वही सिखों ने जो कुछ जहांगीर ने बोला था, वी विल फिनिश दिस वेन अफेयर, ये जो सिर पे चढ़ रहे हैं हम खत्म कर देंगे इनको, वो खत्म हो गए, खलास कर दिया मुगल साम्राज्य, मराठों ने, सिखों ने, और पूर्वी भारत में अहोम्स, जनरल लचित बोरफुकान, पूरी मुगल आर्मी और फ्लीट सराय घाट की लड़ाई में उसने शिकस्त दी। सराय घाट की लड़ाई में मुगलों का जंगी बेड़ा ध्वस्त कर दिया, उनको आसाम से धकेला। एक पूर्व से प्रेशर, एक दक्षिण से प्रेशर, और एक पश्चिम से प्रेशर, 100 वर्षों के अंदर ये मुगल साम्राज्य, जो भी अपने आप को सबसे बड़े तोपची समझते थे, वो खलास हो गए साहब, खलास हो गए। मुगल सल्तनत एक एक छोटा सा कस्बा बन के रह गया, जो कि लाल किले के चारों तरफ था, ठीक है साहब, खलास कर दिया। अंग्रेजों ने नहीं छोड़ाया आपको मुगलों से, आपने खुद अपनी हिम्मत, शुजात, बहादुरी से अपने आप को आजाद किया इन लोगों से। उसके बाद फिर हम में फूट पड़ गई, अंग्रेज आए, उन्होंने मराठों को सिखों से लड़ाया, सिखों को पूर्वियों से लड़ाया, ये करके, और वहाँ, और वो हमारे आका बन गए। और जब वो हमारे आका बने साहब, तो 1857 में उनके खिलाफ एक जबरदस्त विद्रोह हुआ, ठीक है साहब, और वंस अगेन आपके मराठे इसमें काफी सबसे आगे थे, महारानी लक्ष्मी भाई, जो हमारी बेटियां हैं, बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब
लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। देखिए ये आप कविता सुन रहे हैं, ये माध्यम था हमारी वीर गाथाओं को हमेशा हमेशा के लिए इमोर्टलाइज करने का। जैसे ये डग्गे की धुन बजती है, ये हमारी नसों में आ जाती है। सोते को भी जगाओ तो मेरे को, मैं ये आपको इसकी गाथा सुना सकता हूँ। आला उदल की गाथा बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, हमारे यहाँ बार बोलते हैं, कवित बोलते हैं डोगरों के अंदर, और जो सिखों में भी वो है ना, पुर्जा पुर्जा कट मरे कबो न छाड़े खेत, पुर्जा पुर्जा जो कटे दीन के हेत, पुर्जा 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 मीन मेरे बदन की वोटी पोटी चीथड़ा उड़ जाए, मैं कभी न छाड़ू खेत, मैं कभी खेत बोलते हैं लड़ाई का मैदान, मैं लड़ाई का मैदान नहीं छोड़ूंगा, मैं दुश्मन को पीठ नहीं दिखाऊंगा। ये आक्रोश की भावना, ये जंग की भावना हमारे आनी चाहिए। हमें अंग्रेजों के खिलाफ जब विद्रोह हुआ, अंग्रेज थर थर कांप गए, तकरीबन वो साम्राज्य खत्म हो चुका था। अगर सारे सिपाहियों ने इकट्ठा विद्रोह किया होता, 80,000 सिपाहियों ने विद्रोह किया, ये अंग्रेज बचते नहीं, इनकी हालत पतली हो गई थी। ये धर्म परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे थे ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस से, गाय की चर्बी में डुबो के हिंदुओं को दो, सुअर की चर्बी में डुबो के उनको दो, और धर्म परिवर्तन। ऐसा बम फटा कि थर्रा गए। तो अंग्रेजों ने फैसला किया साहब कि ये हम फिर नहीं होने देंगे, और शातिर दिमाग थे साहब, ऐसे 200 साल आप पे राज नहीं करके गए, शातिर दिमाग थे। उन्होंने कहा लुक फॉर एवरी फॉल्ट लाइन, आप समझते हैं दरार, ये भारतीय समाज में जो भी दरार है उसको ढूंढो, उसको चौड़ा करो, ये देश का ऐसा हाल करो कि ये कभी दोबारा इकट्ठा ना हो सके। और आप जानते हैं पहली दरार उन्होंने क्या चुनी थी, पहली दरार चुनी थी कास्ट, क्रीड। हर कमिश्नरेट कलेक्टरेट में जो लोग थे उनको जाके दर्ज करना पड़ता था कि मेरा गोत्र ये, मेरा कास्ट ये, मेरा वर्ण ये, और वो फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर में आता था कि इस फलाना डिस्ट्रिक्ट में इतने प्रतिशत ये, इतने प्रतिशत वो, इतने प्रतिशत ब्राह्मण शूद्र वैश्य तो छोड़ दीजिए साहब, हमारी तो जातियां तो हजार हैं। और 1872 में सर जॉन रिसले ने पहला कास्ट बेस्ड सेंसस किया। मैं थोड़ा इतिहास जानबूझ के दे रहा हूं क्योंकि ये बहुत जरूरी है, खासकर बच्चों को समझना बहुत जरूरी है। 1872 में सर जॉन रिसले ने पहला कास्ट बेस सेंसस किया, ठीक है साहब, और वो जो पहला कास्ट बेस सेंसस था उसने तब लिखा एज लॉन्ग एज देर इज कास्ट, सुनिए ध्यान से, एज लॉन्ग एज देर इज कास्ट देर विल बी नो इंडिया। अरे साहब जब तक कास्ट है तब तक कोई भारतवर्ष नाम की चिड़िया नहीं होगी, ये लड़ मारेंगे कट मारेंगे एक दूसरे के साथ। साहब सबसे बड़ी रंजिश की बात है, अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं 30 साल बाद आप भारतवर्ष को कहां देखना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा जरा पीछे मुड़ के देख लीजिए कि आप आए कहां से हैं, आपको क्या बदली करना है। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू चेंज, यू हैव टू चेंज दिस ब्रिटिश इंड्यूस्ड सिस्टम टू मेक यू फाइट डिवाइड एंड रूल। साहब 75 साल आजादी के हो गए, क्या कास्ट चला गया है? अंग्रेजों के टाइम में इतना कास्ट कॉन्शियसनेस नहीं थी जितनी आपने करी, हमारे पॉलिटिशियंस ने करी है। आपने तो स्कूल में एंट्री, कॉलेज में एंट्री कास्ट के ऊपर कर दी है, जॉब में एंट्री कास्ट के ऊपर है, सब जगह कास्ट 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 कास्ट, ये कास्ट सब आइडेंटिटीज हैं। जब तक कास्ट रहेगा इंडियन आइडेंटिटी इंडियन पहचान नहीं बन सकती, आप देश नहीं बन सकते। 75 साल हो गए, अरे साहब अंबेडकर साहब ने तो 20-30 साल की बात करी थी ना साहब, मैं कह रहा हूं कि अभी भी ये चलते आ रहा है, और जिस तरह से हम जा रहे हैं मुझे लग रहा है कि ये अगले 7,000 साल भी चलेगा, क्योंकि सारी इलेक्शन इस पे जीती जा रही है, सारी इलेक्शन इस पे लड़ी जा रही है। मेरा बड़ा सीधा कहना है
अगर आप एक महान शक्ति बनना चाहते हैं, आपको जो रिजर्वेशन है वो इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे करनी होगी। भाई जो भारतीय गरीब है उसकी मदद करो, चाहे वो ए कास्ट, बी कास्ट, सी कास्ट, डी कास्ट का है, टू हेल विद इट। और कोई पहचान नहीं है इस देश में, हम सब भारतीय हैं। क्या है बेटा एनसीसी का सॉन्ग बच्चों? क्या है एनसीसी का सॉन्ग? हम सब भारतीय हैं, वी आर ऑल इंडियंस एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन। ना धर्म, ना कास्ट, ना क्रीड, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये वो, एक तो ये था, ऊपर से आप कास्ट जोड़ो, ये कास्ट, वो कास्ट, हाई कास्ट, लो कास्ट। अरे साहब, आप सब भारतीय हैं, आप उसकी मदद करें जो गरीब है। गरीबी हर किसी को चुभती है, चाहे शेड्यूल ट्राइब हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे मारवाड़ी हो, चाहे डोगरा हो, सिख हो, पता नहीं अपना, चाहे ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो। गरीबी तो पेट की आग हर किसी को जलाती है भाई। आप प्लीज रिजर्वेशन इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे कर दीजिए, जो गरीब है उसको उठाइए। जो अब ऊपर उठ चुका है, अब वो अगले 7000 साल में साहब, मेरे पुरजों को 7000 साल पूर्व बड़ी यातना दी गई थी। सब बड़ी अजीब बात है साहब, तो क्या मतलब वो चलता जाएगा? क्योंकि आप क्यों, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस? द प्रॉब्लम इज मेरिट। आपकी आईआईटीज वर्ल्ड क्लास है। कहां जा रहे हैं आईआईटी के स्टूडेंट्स? यूएसए, कनाडा, जैसे हमारे पंजाब में बोलते हैं कनाडा। कहां जाना साहब? कनाडा। अबे कल के जाते हैं, आज जाओ यार, दफा हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमको अपना देश नहीं पसंद, अपनी मट्टी नहीं पसंद, अपनी भूमि नहीं पसंद? जाओ, दफा हो, कल के जाते आज जाओ, बनो स्वीपर हीथरो एयरपोर्ट पे मेरी तरफ से, ठीक है साहब? लेकिन बात यह है साहब कि आप जो है अपना मेरिट धकेल रहे हैं बाहर, ब्रेन ड्रेन धकेल रहे हैं अमेरिका। अमेरिका का नासा 30% भारतीय, सिलिकॉन वैली 35% भारतीय। कोई बड़ी कंपनी जब तक एक इंडियन नहीं, वो कहते हैं ये फिट नहीं। टॉप मेडिकल स्पेशलिस्ट अमेरिका में कौन है? भारतीय। तो हमारा क्या होगा कालिया? तुम्हारा क्या होगा कालिया? नहीं, अभी तक तो आप धकेलते रहे, ठीक है साहब। अब मैं बताऊं कि जो विदेश हैं वो बाहर वालों को आने से रोक रहे हैं। तो जो हमारे 98, 99, 100% लेने वाले हैं, क्या वो समुद्र में कूद के छलांग मार के अब खुदकुशी करनी पड़ेगी? कि क्राइम है अच्छा पढ़ाई करना? I'm just asking you, where will it end? You want to be a great power? My vote, you will be a great power. जब तक आपके अपने साइंटिस्ट रॉकेट नहीं बनाते, स्पेस सैटेलाइट्स नहीं बनाते, ये बनाते, हमारे तो सेकंड थर्ड टायर वाले भी बना रहे हैं। एक बार आपके टॉप साइंटिस्ट बाहर जाने के बजाय यहां आए तो काया पलट हो जाएगी साहब, तब काया पलट होगी, तब आप सुपर पावर बनोगे। और मैं आईआईटी दिल्ली में लेक्चर दिए हैं, आईआईटी कानपुर में लेक्चर दिए हैं, आईआईटी मुंबई जाके मैं बात करता हूं लोगों से, बच्चों से, मैं कहता हूं देखो बेटा, आप पब्लिक सेक्टर मत जाओ, मैं बोलूंगा मत जाओ, यूजलेस जो है ना, कि अगर यूजलेसनेस की कोई मिसाल देनी हो तो वो आपका पब्लिक सेक्टर। काम ना करो, दिन में 25 ब्रेक होनी चाहिए, सिगरेट ब्रेक, चाय ब्रेक, दूसरी चाय ब्रेक, पांचवी चाय ब्रेक, छह ब्रेक, और लास्ट में फुल ब्रेक, ठीक है साहब? नहीं नहीं, क्या क्या इसी क्या वजह है? हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर को डिफेंस प्रोडक्शन दिया गया। MiG-21 जहाज रूस से आए, 71 में MiG-21 जहाज में जो था केवल मिसाइल्स लगे थे, तो एयरफोर्स ने बोला साहब ये अगर मिसाइल फायर कर दिए चार और दुश्मन का जहाज आ गया तो क्या करेंगे, तो इस पे एक 23mm कैनन फिट की जाए, तो वो दिया HAL को। मतलब हम तो नहीं कर सकते साहब। अरे क्यों नहीं कर सकते? वो तो लाइसेंस है ना उधर का, ये मतलब फिटे मुंह तुम्हारा, हटो। पर हमारी एयरफोर्स की जो वर्कशॉप होती है ना, बेस वर्कशॉप, उसको दिया उन्होंने, फिट कर दिया, उन्होंने फिट कर दिया। आप हमारे सरदारों को दो बटाले में वो कुछ भी बना देगी, बोले साहब जी तुझे 200 में बना देता, मैं दिखा दो बस एक बार, मैं लेथ मशीन पे चढ़ के ना मैं बना देंगे। लेकिन ये नहीं कर सके। यू सी, सेल्फ
डिपेंडेंस के नाम पे, अवतारकी इन वेपन सिस्टम्स के नाम पे इन्होंने बेवकूफ बनाया है, धूल झोंकी है हमारी आंखों में कोई पिछले ऑलमोस्ट 75 साल। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, मैकेनोसेट जैसे बच्चे बनाते हैं, ले बेटा मैकेनोसेट बना ले, तो वो नट बोल्ट इकट्ठे करके ड्राइंग देख के बना देता है। ये वहां से अनअसेंबल्ड किट लाते हैं रूस से और यहाँ पे असेंबल कर देते हैं, बोले इसमें थोड़ा बदली कर दो, नहीं साहब हम नहीं कर सकते। तो फिर तुम कर क्या रहे हो, झक मार रहे हो इतने साल, 75 साल। यू सी, यू हैव टू डू योर ओन डिजाइन, यू हैव टू डू योर ओन R&D, और जब तक नहीं करोगे साहब तो खरीदते रहोगे, खरीद खरीद के अब साहब अत मर गई है। लेकिन हमारी नेवी, अभी मैंने सुना है कि एक शिप बिल्डिंग के ऊपर सेमिनार हुआ, आपने कराया, हमारी नेवी ने करके दिखाया, दे आर नॉट बिल्डिंग अ नेवी सर, दे आर बिल्डिंग अ नेवी, दैट इज द वे टू द फ्यूचर, दैट इज द फ्यूचर, वी डिजाइन, वी बिल्ड, वी इनोवेट। जुगाड़ अच्छा है एक हद तक, जुगाड़ काफी दूर ले आया भारत को, लेकिन एक हद तक। अब आपके जो ब्राइटेस्ट एंड द बेस्ट हैं वो इस देश में आपको रखने पड़ेंगे, और तरीका है कि प्राइवेट सेक्टर भेजो, उनको तकलीफ नहीं होती पे देने में, अच्छी पे देने में, अच्छी तनख्वाह देने में आपको। और अगर आप ब्राइट हो तो वो वेट नहीं करेगा कि जब तक तुम बख्शी साहब जितने बुढ़े नहीं हो तुमको प्रमोशन ही नहीं मिलेगी, टाइम बाउंड है साहब हर चीज, काम करो ना करो खोता गधा वो ऊपर तक पहुंच जाएगा। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि यू मस्ट अंडरस्टैंड द पास्ट टू अंडरस्टैंड द टू क्रिएट द फ्यूचर। इफ यू डोंट नो योर पास्ट, आप साहब वही गलती, दोज हु डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। इसलिए मैंने हिस्ट्री से शुरू किया है और एक लंबा आपको एक मैंने बताया है व्हाट यू नीड टू चेंज। जो अंग्रेज छोड़ गए बोले दस्तूर, साहब ये क्यों कर रहे हो साहब, अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। सुनिए वो नसरानी की कि जो अंग्रेज छोड़ गए साहब बस वही है। अरे क्या बकवास है यार, जो अंग्रेज छोड़ गए पिट गए बेचारे वो चले गए, अब उनको जाने दो ना यार, उनकी दुम पकड़ के क्यों बैठे हो, अपना सोचो अपना करो। और जो कुछ वो कर गए वो 1910 की दशक में लागू था, 18, 20, 30, 40, 50 में तो आप आजाद हो गए थे ना, आप तो रिपब्लिक बन गए थे, अब अपना शुरू करो। आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं दो टूक शब्दों में बता दूं, इज अ रिप्रिंट ऑफ द 1935 ब्रिटिश एक्ट, ब्रिटिश एक्ट ऑफ इंडिया 1935, उसका रिपीट है तकरीबन। अच्छा, आपका जो जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं, यू नो कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उसके अंदर क्या है, और देशों की डेमोक्रेसी का है, लिबर्टी फ्रेटर्निटी इक्वालिटी। ठीक है साहब, लिबर्टी फ्रेटर्निटी इक्वालिटी। हमारे में क्या लिखा है साहब, जो कि आपके जो है एग्जैक्ट वर्ड आई जस्ट टेल यू इज स्लिपिंग मी, बट व्हेन यू सी द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, वी द पीपल ऑफ इंडिया एटसेट्रा एटसेट्रा हैव डिसाइडेड टू गिव आवरसेल्व्स यू नो सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस इज अनदर नेम फॉर कास्ट। अंग्रेजों ने कहा साहब यहां तो देखिए ऐसा है, इंडियंस आर नॉट फिट टू रूल देमसेल्व्स, दे आर नॉट फिट टू रूल देमसेल्व्स, ये कुत्तों की तरह आपस में लड़ते रहेंगे कास्ट क्रीड धर्म मजहब भाषा के नाम पे, इसके लिए इट रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल पावर टू कम एंड रूल, क्योंकि वही इम्पार्शल हो सकती, ये लोग इम्पार्शल नहीं हो सकते, ये लड़े मरेंगे। और अगर अगर कोई क्या कहते हैं जाट बन जाएगा तो वो सब जाटों को हेल्प करेगा, बख्शी बन जाएगा तो सब बख्शियों को हेल्प करेगा, यू नो इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो इसलिए बाहर के लोग चाहिए, ये तो फिट नहीं है अपने पे राज करने के। अरे 75 साल कर लिया साहब, और भगवती कृपा रही तो 75,000 साल तक हम राज करेंगे और तुम्हारे पे भी शायद कर दें, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहना यह है कि आपको इतिहास की तरफ देख के आगे देखना होगा, पहले लुक बैक देन लुक अहेड, देन लुक है। इतना कह के मैं वर्तमान पे आऊंगा। सबसे पहले तो मैं जनरल रावत को हमने श्रद्धांजलि अर्पित करी, मैं दो शब्द उनके बारे में बोलना चाहूंगा। जनरल रावत मेरे जेंटलमैन कैडेट थे, मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में बच्चों एज एन इंस्ट्रक्टर कैप्टन पोस्टेड था 1977 से लेकर 1980 तक,
और मुझे बड़ा फख्र है इस बात का कि मेरे जो स्टूडेंट्स थे उनमें मैं गिन सकता हूं फॉर्मर CDS जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल नरावने, वो ये मैं अपने स्टूडेंट्स में गिन सकता हूं। हमारे यहां कहते हैं गुरु गुड़ चेले चीनी। सबसे ज्यादा एक गुरु को हर्ष तब होता है जबकि उसके जो स्टूडेंट्स हैं उससे आगे निकले और आसमान को छुए। जनरल रावत को सॉर्ड ऑफ ऑनर मिली थी वहां पे और हमने तब देखा था होनहार बिनवार के होते चिकने पार कि साहब ये जाएंगे आगे, और बिल्कुल वो गए। और वो कॉम्बैट सोल्जर थे, वो चॉकलेट क्रीम सोल्जर नहीं थे। यहाँ पे ADC, वहाँ पे मिलिट्री असिस्टेंट टू दिस थिंग, AMS, यू नो, अब बुरा मत मानिए अगर कोई था तो, ये जो अपॉइंटमेंट्स को हम फौज में मजाक में चॉकलेट क्रीम सोल्जर कहते हैं। ये साहब पी स्टेशन में रहे, मम्मी पापा के पास रहे, धर्म पत्नी के कभी दूर नहीं गए, दूरस्थ नहीं हुए, और मेरे जैसे हैं दूसरे। पूछिए तो इनसे, हैं सुनीता जी बैठी हैं धर्म पत्नी मेरी, तो सर्विस शुरू करी 1971 के युद्ध से, 14 दिसंबर को पास आउट होना था। एडजुटेंट साहब ने साहब अक्टूबर 1971 में परेड ग्राउंड पे लाए, बोले बॉयज यू डन वेरी वेल, बहुत अच्छा किया है आपने, बड़े खुश हैं हम आपसे, हम आपको एक महीना पहले कमीशन कर देंगे। बड़े खुश हुए। तो वो बेचारे मुड़े असिस्टेंट एडजुटेंट की तरफ, कहते पुअर चैप्स बेचारे, इनको पता नहीं है इनके साथ होने क्या वाला, ठीक है, तोपों का चारा होंगे ये। 14 नवंबर को कमीशन हुए, बिल्कुल सही कहा था साहब उन्होंने, 14 नवंबर को हम लोग कमीशन हुए, 10 दिन की छुट्टी मिली, माँ बाप के दर्शन कर लो, शायद अंतिम, कईयों के लिए अंतिम, और सीधा हम ट्रेन में बैठे आसाम मेल में। और जब मैं मेरे 40 कोर्समेट हम लोग इकट्ठा एक बैच सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन पे उतरे, जब रेलवे स्टेशन पे उतरे नवंबर के आखिरी हफ्ते में, तो पूरा रेलवे स्टेशन खचा खच फौज से भरा था, स्टील हेलमेटे और नेकेड संगीने बेनट धूप में चमक रहे थे, लिशकारे मार रहे थे। सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन का कोई छत नहीं होती थी तब, बस वो साइडिंग थी केवल, ठीक है, तो सर्दी की धूप में जो बेनट्स हैं वो ग्लीम कर रहे थे, और आंखें हमारी एक मिनट, वो बोलते हैं ना लिशकारा, पंजाबी में बोलते हैं लिशकारा मार दिए, तो वो आंखें चौधे आ गई। तो नीचे उतरे हम दूसरे, एक दूसरे को गले मिले कि शायद फिर मिले ना मिले, जिंदा रहे ना रहे। तो हमारे जवान आए, साहब जी जल्दी करो, ए फड़ो स्टैंड ते ए फड़ो हेलमेट, मेरे डोगरे हैं तो वो पंजाबी जैसी है भाषा डोगरी भी, तो ए फड़ो हेलमेट, ये पकड़िए अपनी स्टील हेलमेट डाल लीजिए, और ये लीजिए साहब स्टैंड पकड़ो, इसके साथ वो बेनेट का वो उतार लो स्कैबर्ड, कहीं कुछ भी हो सकता है, और जल्दी करो साहब, पलटन बांग्लादेश में, पलटन बांग्लादेश में है। तो बोले साहब ये ट्रंक कहाँ रखना है, ओ साहब जी ओ रियर NCO ले जाऊंगा, तुसी चलो साहब चलो चलो, हमको धकेल के वो लोग बिठाए 1 टन ट्रक्स में, और हम लोग अपनी सर्विस की पहली रात हम लोग युद्ध में थे, पहली रात हम लोग युद्ध में थे। और बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है मेरे बहुत सारे साथी शहीद हो गए, किसी की टांग उड़ गई, किसी का हाथ गया, किसी को छाती पे 5 गोली लगी, किसी को कुछ, किसी को कुछ, बहुत नुकसान हुआ। लेकिन मैं बच्चों को बता रहा हूं, तुमको डराने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन हमको बहुत फख्र है कि हमारा वो बैच है द बैच ऑफ 71 जिसने की मात्र 13 दिन में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, 2 टुकड़े। तिरानवे हजार कैदी वो हमने आत्मसमर्पण करते देखे हैं। जनरल ये लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अकबर अब्दुल्ला खान नियाजी हिलाले जुर्रत सितारा पाकिस्तान को मैंने बच्चों की तरह फपक फपक के रोते देखा है, रोते पिंडी में बैठे हराम जादो ने मरा दिया। मरोगे फिर कोशिश करोगे फिर मरोगे सालो। ये देखो बेटा, हम में से बहुत सारे जर्नल बने, एक मेरा कोर्समेट एयर चीफ बना, ठीक है, आर्मी कमांडर मेरे बैच में से 2 बने आर्मी के अंदर और 2 एयरफोर्स में, हम बहुत ऊंचा गए क्योंकि हमें लड़ाई का तजुर्बा था। फिर मैं लड़ा एज अ मेजर पंजाब में,
काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन, फिर मैं लड़ा एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल कारगिल में, फिर मैं लड़ा एज ए ब्रिगेडियर किश्तवाड़ में, फिर मैं लड़ा एज ए जनरल, फिर गोली इधर से रजौरी पुंछ, और कोई जगह रह गई साहब बता दो। और ये बेचारी अकेले ये सेपरेटेड फैमिली क्वार्टर्स में रहती थी, इन्होंने बच्चों को परवरिश की है, पाला पोसा बड़ा करा है, मैं तो गेस्ट आर्टिस्ट था वहाँ पे। ठीक है साहब, एक बारी क्या हुआ कि मेरे को रिटायरमेंट के बाद वो व्हाट इज दैट अवार्ड कॉल्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, बोले सर आपको हमने चुना है इसके लिए। मैं कहा साहब और कौन कौन है, तो बोले साहब कैबिनेट सेक्रेटरी टीएसआर सुब्रमण्यम और अपने इलेक्शन कमिश्नर बेचारे वो बहुत अच्छे हैं, तो हाँ तो वो उनके साथ। वाह यार फिर तो जाना पड़ेगा, तो मैं और श्रीमती जी पहुंच गए। तो ड्रिल ये थी कि जो जो जिसको मिला था अवार्ड वो आता था पूछते थे साहब बताइए आपने क्या मुख्तलिफ क्या बड़ी चीज़ करी। सो मेरे से पूछा जनरल साहब आप 37 साल फौज में थे, आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? तो मैंने सीधा सवाल पूछने वाले की आंखों में आंखें डाल के देखा, मेरा बड़ा 37 साल में मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी स्टेइंग अलाइव, कि मैं जिंदा रह गया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि, क्योंकि सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी मारने की, एक के बाद एक के बाद एक लड़ाई के मैदान में भेजा। तो जब मैंने MS ब्रांच से पूछा भाई कोई दुश्मनी है क्या, क्या मरवा के ही सांस लोगे, नहीं नहीं सर यू आर डूइंग वेरी वेल, मैंने कहा थैंक यू। चलिए ये तो है। तो मैंने बोला कि साहब सबसे बड़ी उपलब्धि थी स्टेइंग अलाइव, और उसके लिए आई हैव टू थैंक माय वाइफ जो और मेरी बेटी। जब हम लड़ रहे थे ये हमारे लिए पूजा रोज रोज पूजा करती, और मैं साहब बगैर खरोच के बाहर आ गया, ये मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ। मेरे दाएं लोग मर गए, किसी की अंतड़ी बाहर आ गई, मैंने अपने हाथ से ना ऐसे अंतड़ी वापस पेट में डालते देखा, पानी मांगते लोगों को देखा, खरोच नहीं आई भगवती कृपा से, खरोच नहीं आई और आपकी पूजा से। मर गए जहां बेचारे इतने सारे मस्त मस्कराह बन के जिंदगी के दिन गुजारते, भय मत करो डरो मत, गोली डर की तरफ आती है, जो डर गया सो मर गया, ये याद रख लो। ये सब NDA के जो एस्पिरेंट्स हैं, भय मत करो, हिम्मत है मर्द, मदद है खुदा, भगवान भी मदद करते हैं उसकी जो हिम्मत करते हैं, जो शूर हैं, जो वीर हैं, जो कायर नहीं, जो डरता नहीं। और अब आपको इसकी जरूरत है, आपको अहिंसा परमो धर्म की जरूरत नहीं है, अहिंसा परमो धर्म महाभारत का वाक्य है, आप जानते हैं। अफसोस की बात यह है कि हमारा बेवकूफ बनाया गया है, हमें केवल आधा वाक्य बताया गया है। आपको इस अहिंसा परमो धर्म का दूसरा हिस्सा मालूम है? दूसरा हिस्सा है अहिंसा परमो धर्म धर्म हिंसा तथा बच्चा। अहिंसा बहुत उत्तम है, लेकिन धर्म की रक्षा में हिंसा उससे भी ऊंची है। यह सुना है आपने? देखिए गांधी जी संत थे, बहुत संत थे, बहुत नेक, और उन्होंने मोबिलाइज किया पूरे देश को, बहुत उपलब्धियां हैं, बहुत अचीवमेंट्स हैं उनकी। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आप इतिहास ध्यान से पढ़ें, अंग्रेजों ने बड़ी चतुराई से उनका इस्तेमाल किया। भाई अगर मेरा कोई दुश्मन है तो क्या मैं अपनी प्रेस में उसकी बखान रोज करूंगा? जब मैं उसको जेल में डालना हो, मैं निजाम के पैलेस में जेल में डालू, और नेताजी बेचारों को रंगून भेजा, मार मार के उनकी टॉर्चर किया गया उनको, वो था असली दुश्मन। आप तो साहब अब क्या बोले, यू नो इतनी हाई मीडिया प्रोफाइल इसीलिए दी कि उनको कुछ अपना फायदा लगा कि ये भारत को पीसफुल रख रहा है, हमको इससे ज्यादा क्या चाहिए, हमको 1857 का विद्रोह नहीं चाहिए। ये साहब कटु सत्य है, आपको अच्छा लगे या ना लगे, मैं फौजी हूं, अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, ना करे तो मैं क्या करूं। ठीक है साहब, ये मैं आपको इतिहास जरूर दोहरा देना चाहता हूं। रावत साहब सोल्जर थे, कॉम्बैट सोल्जर थे, एक के बाद एक लड़ाई के मैदान में गए,
परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। बोलते बोलते भी साहब जी बाहर आ जाती, वो छाती पे थे सब कुछ, सब लेफ्ट साइड सब उसकी छाती पे थे। ही वाज अ कॉम्बैट सोल्जर, तभी वो चीफ बना, अच्छा चीफ बना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना, अच्छा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना, पूरा आर्म्स प्रोक्योरमेंट सिस्टम रेवोल्यूशनाइज कर दिया, रेवोल्यूशनाइज कर दिया। पहले 10-10 साल एक जहाज फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं आया यूपीए के, 10 साल में एक फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं आया। एक चीज के पीछे पड़ गए, क्या चाहिए साहब? वीवीआईपी हेलीकॉप्टर चाहिए। कहां से चाहिए? इटली से चाहिए साहब, रोम से चाहिए आपको। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला साहब ये मेरे लिए बहुत महंगा है, तो साहब हमें एक नहीं चाहिए, हमें 12 चाहिए। हम इतना टाइम ले रहे हैं क्योंकि साहब हम देखें कोई धांधली ना हो, और जब खरीदा गया तो पता चला साहब ये तो बिच्छू की डंक है इसके पीछे, और एक फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं लिया। अरे मर गई तुम्हारे यहां, पागल हो तुम? तुम वीवीआईपी हेलीकॉप्टर ले रहे हो जबकि हमको फाइटर जहाज की जरूरत है। एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 45 होनी चाहिए, 30 पे आ गई है, 30 के भी नीचे पहुंच रही है। आर यू मैड? नहीं साहब, हम तो गांधी है। तो फिर अब इक्वेट करना पड़ जाएगा साहब, ये जो गिरी है गांधी गिरी, इट इज गॉन बाई इट्स यूज बाई डेट, प्लीज फॉरगेट इट। इफ यू वॉन्ट टू गो हेड नाउ बिकम अ फाइटिंग नेशन। आपके वेदों में युद्ध ही युद्ध, दशराजन युद्ध सुना है ये नाम? 10 राजाओं का युद्ध, ये ऋग्वेद में लिखा। द्वादश राजन युद्ध सुना है? अभी वेद पढ़ लो ना यार, तुम्हारी ही किताबें। किसी बच्चे से पूछो हमारे से, भाई हिंदू स्क्रिप्चर क्या है? बोले साहब गीता। गीता तो उपनिषद है, उपनिषदों में से एक है, ठीक है। ऑफ कोर्स इससे बड़ा ग्रंथ शायद इंपॉर्टेंस में नहीं है हमारे, लेकिन असली जो मूल ग्रंथ है वो क्या है? वो वेद है। बच्चों से पूछो कितने वेद हैं, आधों को पता नहीं होगा, आधों को पता नहीं होगा। आपको अपनी रूट से, यू हैव लॉस्ट योर रूट्स, यू हैव लॉस्ट योर मूरिंग्स। यू सी हु हैज स्टॉप्ड यू फ्रॉम रीडिंग योर ओन हिस्ट्री, योर ओन दिस थिंग? इतिहास भी आपका वेदों में लिखा। तो साहब ये अब लाने की बहुत जरूरत है, बेसिकली माइंडसेट चेंज की बहुत जरूरत है। अंग्रेज चले गए, उनकी गुलामी की बेड़ियां अभी तक हमने पहनी है, साइकोलॉजिकल, यू हैवंट ब्रोकन फ्री, यू हैवंट ब्रोकन, वो आप में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इंड्यूस करके गए, ठीक है साहब। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्या? हर चीज विलायती बहुत अच्छी, हर चीज देशी, देशी का मतलब ही घटिया, देशी का मतलब ही घटिया। लेकिन साहब अब टाइम बदल रहा है, हमको 155 मिलीमीटर मीडियम गन की जरूरत थी। कल्याणी फोर्ज ने एक गन बनाई है, पुणे में बनाई है, आपके मराठा राज्य में बनाई है, जो कि अमेरिकन गन है, 45 किलोमीटर की दूरी पे मार करती है, ये 48 गन किलोमीटर दूरी मार करती है, वो 3 राउंड पर मिनट फायर करती है, ये 5 राउंड पर मिनट फायर करती है। उसका ऑक्सिलरी इंजन जो है APU, वो बहुत आवाज करता है, पेट्रोल का है, ये इलेक्ट्रिकल है, कोई आवाज नहीं आती, ये भारत में बनी। लेकिन आप यहां स्कूल ऑफ आर्टिलरी भी यही है, एड़ी चोटी का जोर लगा लिया लोगों ने साहब की, साहब ये नहीं, साहब ये गन बहुत भारी है। बोले क्या है प्रॉब्लम? क्या है साहब? ये बहुत भारी, कितनी भारी है? 28 टन है, सॉरी 23 टन है, हमको चाहिए 12 टन 13 टन। क्यों 12 टन 13 टन? अगर ये उससे ज्यादा दूर मार रही है तो इट स्टैंड्स टू रीजन की जो प्रोजेक्टाइल ज्यादा दूर फेरेगी वो गन ज्यादा भारी होगी। बोले साहब वो लद्दाख में ले जानी है, वो आपको यू नो सिक्किम के केरन प्लेटो में लेके जानी है। मैंने कहा यार 45 टन का टैंक वहां पहुंच गया, तुम्हारी 23 टन की ये गन नहीं जाएगी? बहाने भी चाहिए ना कि फॉरेन। सब चीज बिलायती बहुत अच्छी, कम से कम मेरे को एक ट्रिप तो मिल जाएगा फ्रांस का या इटली का या कहाँ का। ये बकवास अब खत्म होना चाहिए, ये खत्म होना चाहिए। मैंने जाके नारवाने साहब को पहले ये बोला था, कहते साहब मैं समझ गया, अब मैं लगाता हूँ डंडा, और अब वो आने वाली है। रावत साहब ने बोला अच्छा ऐसी बात है, जब मैंने उनको बताया उन्होंने बोला साहब ये आइटम इम्पोर्ट के लिए बैन है, सबसे पहले 155 मिलीमीटर गन, अब कर लो बात, ले लो बाहर से,
We will not let you take it from outside. We will make in India. Atma Nirbhar Bharat. ये है साहब तरीका आगे जाने का, ये रावत साहब की देन है। अब जियोपॉलिटिकल हालात, लेट मी मेक अ वेरी वेरी एम्फेटिक स्टेटमेंट। आजादी के 75 साल के अंदर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को कभी इतनी चुनौती नहीं मिली थी जितनी की अब फेस कर रहे हैं। क्लियर कट स्टेटमेंट फौजी, कोई एप्पल पॉलिशिंग जलेबी बनाने की जरूरत नहीं, गोल गोल घुमाने। इसी जब मैं पलटन गया तो मैं सेकंड लेफ्टिनेंट था, तो मेरे सीओ ने मेरे को एडजुटेंट बना दिया कोई 3-4 महीने की सर्विस में। बता दो, बड़ी सीखेगा, गधे का लोट डालो इसके ऊपर तभी सीखेगा ये, जब तक रोए नहीं इसको छोड़ो नहीं। बहुत सख्त थे वो, बहुत सिखाया, उन्होंने सिखाया तो हम जनरल बने। ठीक है साहब, तो कभी हार्ड टफ टास्क मास्टर से ज्यादा खतराव नहीं किया। अरे साहब बहुत जान लेता, अच्छा है तुम्हें सिखाएगा, वो बहुत सिखाएगा। तो वो मेरे को बोले, तो एक बार क्या हो गया साहब, पलटन में कोई हादसा हो गया। अब वो डरते लोग उसको जाके बोले ना, वो शेर था, खा जाता था, सारा गुस्सा पहले उस पर निकलता था जिसने खबर दी है। तो मैं डरता डरता गया उसके पास, सर एक्चुअली सर इन रियल फैक्ट मैंने ऐसे घुमाया। कहता है, तू अफसर है या तू गधा है? What's your bloody problem? Talk straight. Talk like an officer. क्या है, कितने मरे, बोल बोल। भैया सर 3 मर गए सर, 2 घायल। बोला बस ठीक है, शट अप, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूं। You see, you must talk straight as an officer. जनरल रावत बिल्कुल यही करते थे, मुंह फट, बोल दिया, अब तुम करो जो तुमने करना। मैंने जो बोलना था मैंने बोल दिया, अच्छा लगे बुरा लगे। अब वो बोलते ना, पुट इट वेयर द सन डोंट शाइन। ये जो पुराने फौजी वाले हैं वो समझ जाएंगे इसका मतलब क्या। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, टॉक स्ट्रेट, बी अ सोल्जर, बी अ मैन हु स्पीक्स द ट्रूथ, हु डजंट करी फेवर। बैंगन की नौकरी नहीं करते, आज इस तरफ कल उस तरफ कल इस तरफ। साहब असलियत ये है, दिस इज वॉट इट, देश के हित में ये है। उसके बाद सब कहते हैं ऑफ विद योर हेड, तो बोले सर यू कैन डू विद माई। एक जर्मन जनरल था, तो काइसर होता था राजा जर्मनी का, तो वो लड़ाई लड़ रहा था रूस में, तो बड़ा ये गलत है वो गलत है वो गलत है। तो वो कहते हैं, आफ्टर द वॉर दी मैजेस्टी हिज मैजेस्टी कैन टेक माई हेड ऑफ, बट वाइल द वॉर इज ऑन विल यू प्लीज लेट मी यूज माई हेड। कि आप साहब मेरे को मेरा अपना सर इस्तेमाल करने देंगे, आप प्लीज मेरे पे छोड़ दीजिए। ये होता है आत्मविश्वास, लीव इट टू मी, आई डू इट, मैं करूंगा, आई विल गेट यू विक्ट्री। सैम मानेकशॉ मैडम ने बोला मार्च 1971 में, सैम ये रिफ्यूजीज का सैलाब शुरू हो गया है, और तब तक ये जब तक खत्म हुआ ये लड़ाई, 3 मिलियन बांग्लादेशी वर किल्ड, 1 मिलियन बांग्लादेशी वुमेन वर रेप्ड, 10 मिलियन वर पुश्ड आउट इन टू इंडिया, मोर देन एट द टाइम ऑफ पार्टीशन 47। तो मैडम तो बोली कि साहब आप कुछ करिए। तो बोले मैडम व्हाट डू यू वांट मी टू डू अबाउट इट। कहती गो इन टू बांग्लादेश। कहता मैडम दैट मींस वॉर। कहती आई डोंट माइंड। वो भी अब दुर्गा का अवतार थी एक किस्म से, डरते थे लोग उनसे बहुत, यू सी। कहती आई डोंट माइंड। देखा मैडम आप मुझे आदेश दें, मैं कल चला जाऊंगा, लेकिन अगर आप मेरी नसीहत माने तो मैं आपको बोलूंगा कि आप नवंबर दिसंबर में मुझे जाने की इजाजत दीजिए। आप अभी बोलेंगे मैं चला जाऊंगा, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता आपको जीत की, लेकिन आप मुझे जाने दें, तब जो है मानसून खत्म हो चुकी होगी, आसमान साफ हो चुका होगा, एयरफोर्स आ सकेगी सपोर्ट में, जमीन पक्की हो गई, मेरी टैंक चल सकेंगे, हिमालय पे बर्फ पड़ जाएगी, दर्रे बंद हो जाएंगे, चीनी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, मुझे नवंबर दिसंबर में जाने दीजिए। किसी की हिम्मत नहीं हुई थी इंदिरा गांधी को ये बोल देने वाले, ये इमरजेंसी वाली मैडम है थी मतलब। तो वो आंखें अंगारे निकल आए, बोले सारे मिनिस्टर्स को बोले आप सब जाइए। तो सैम भी उठ के जाने लगा, वो तेज था, नो सैम यू सिट डाउन। कहती व्हाट यू मीन, आर यू ट्राइंग टू बी इंपॉर्टेंट? सर मैडम प्लीज टेल मी इफ यू वांट माय रेजिग्नेशन, शैल आई पुट इट ऑन मेंटल ग्राउंड और फिजिकल ग्राउंड? लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा काम है आपको जिताना,
केवल लड़ना मेरा काम नहीं है, लड़के जीतना मेरा काम। आप मुझे बोलेंगे, आदेश देंगे, मैं ओबे करूंगा, लेकिन हमारी मानसून अप्रैल का महीना आ गया सर पे। अप्रैल में बांग्लादेश में बारिश शुरू हो जाती है, 5-5 किलोमीटर चौड़े नदी के पाट 10 किलोमीटर के बन जाएंगे। हमारे पास पुल नहीं है इतने बड़े जो कि उनको पार कर। आप फिर भी बोलती हैं कि नहीं अभी जाओ, तो मैं अभी चला जाऊंगा, लेकिन मैं प्रोफेशनल हूं, मेरी एडवाइस हूं। ये उनकी उनकी मैं मानता हूं बड़प्पन है। ओके सैम, डू इट दैट वे, ठीक। ये भी बड़प्पन चाहिए कि हाँ भाई, ये मेरा सबॉर्डिनेट ठीक है। तो साहब वो 71 की लड़ाई जो है हमारी, जो प्रक्रिया मैंने बोली थी ऑफ एन इंडियन मिलिट्री रिवाइवल, उसका कंप्लीशन उसमें आ गया। अब जो हालात ये है कि चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ बहुत बढ़ रहा है। 30 साल पाकिस्तान हमारे बरखिलाफ जो है एसिमेट्रिक वॉर छेड़ रखी है, प्रॉक्सी वॉर छेड़ रखी है। खुद नहीं लड़ रहा क्योंकि 4 बार पिट चुका है। 48 में पिटा, 47, 48 में पिटा, 65 में पिटा, 71 में तो 2 टुकड़े हो गए, 99 कारगिल में फिर पिटा। अब वो समझ गया कि साहब लड़के इनका हिंदुस्तान की फौजों को नहीं हराया जा सकता, तो सलवार कमीज पहन के लोग भेजो। अब हमारे यहाँ तो बच्चियाँ सलवार कमीज डालती, ठीक है साहब। वो लड़ रहे हैं 30 साल से, 30 साल से हमने चुपचाप सहन किया, कोई पलटवार नहीं। अब भाई छोटे से छोटा बच्चा भी बता देगा, एक होती है ढाल, एक होती है तलवार। अगर आप केवल ढाल से लड़ो तो आप मरोगे, ठीक है। ढाल के साथ तलवार चाहिए, हमने तलवार का इस्तेमाल नहीं किया, ढाल ढाल ढाल। तो ये आखिरी किया था अभिमन्यु ने, और वो बेचारा जिंदा नहीं रहा। चाहे जितना भी बहादुर हो, कुछ भी हो, वो जिंदा नहीं बचा। तो अगर आप मरना चाहते हैं तो फिर ढाल का इस्तेमाल करिए, डिफेंसिव रिएक्टिव कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट इन माई ओन साइड ऑफ द बॉर्डर, पानीपत सिंड्रोम, कि हम लड़ाई तभी लड़ेंगे साहब जब वो दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर पानीपत में आएगा, तब तक हम कथक देखेंगे। तो आप देखिए कथक, देखिए कथक, आप तीनों पानीपत की लड़ाई आप हारे, यू हैव लॉस्ट ऑल 3 bloody battles ऑफ पानीपत, नाउ यू हैव टू गेट प्रोएक्टिव। तो क्या बदलाव आया अभी जनरल रावत साहब के टाइम में, उड़ी पे हमला हुआ, सरकार ने बोला करो वापस, दो पलटवार वापस। तो हमारे जो स्पेशल फोर्सेस थे 3 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जाके अंदर घुसे, उनके जो वहां पे वो कैंप था, होल्डिंग कैंप, उस पे हमला किया। 40 से 50 टेररिस्ट सोते हुए मार के वापस सुबह तक आ गए, एक आदमी का सिर्फ पांव उड़ा माइन पे, ठीक है, खरोच नहीं आई बाकी किसी। 3 महीने पाकिस्तान चुप रहा, फिर चुलबुली, क्योंकि यहाँ पे एक तो सोने पे सुहागा, क्या किया है कि नहीं किया है, बोले साहब जाके वहां गिन लो ना कितनी लाशें गिरी, बोले साहब आपको भेज देते हैं, पैरा ड्रॉप कर देते, जाके बता देना, हमको भी बता देना, हमने तो मार डाले जो मारने थे। अब तुमको शक है, तुम जाके देखो ना, पाकिस्तान में जाओ देखो कितनी लाशें, सुगो कहाँ सड़ गई कि नहीं सड़ी, क्या हो गया ये वो, है ना। तो साहब 3-4 महीने पाकिस्तान चुप रहा, फिर यहाँ देखा कि यहाँ तो हिंदुस्तान में ही लोग गाली गलौज कर रहे, तो उन्होंने फिर चुलबुली शुरू की। फिर उन्होंने पुलवामा किया, पुलवामा के बाद साहब हमने किया बालाकोट। हमारे 12 मिराज 2000 जहाज पाकिस्तान के 80 किलोमीटर अंदर घुसे, पीओके में नहीं गए, मेन पख्तूनख्वा में गए, और जो बालाकोट का कैंप था वो इजरायली स्पाइस बॉम्ब लगा के उसका चकनाचूर कर दिया। वो पेट्रोल जली के बॉम्ब से साला जल के मरे होंगे, अच्छा है, बड़ी खुशी होती है मुझे सोच के। तो वो यूसी वो जल के मरे, 22 महीने पाकिस्तान चुप रहा, ठीक है साहब, 22 महीने। और जब हमने 370 हटा दिया, हमने जो आर्टिकल 35 था उसको हटा दिया, पाकिस्तान ने सिवाय चैं चैं करने के कुछ नहीं कर सका कि बत्ती बंद हो गई थी। यार ये तो पागल हैं, ये तो चढ़ जाएंगे, अभी तक तो हम न्यूक्लियर, हमारे पास 1.5 पौवे का बम है, 2 पौवे का बम है, हमारा 1.5 पौवे 2 पौवे की, तो यहाँ लोग दारू पीते गांव वाले, 1.5 पौवे का बम, 2 पौवे का बम। रशीद सुना है वो मिनिस्टर इनका पाकिस्तान, मजाक नहीं कर रहा हूँ, असली में बोला है, हमारा 1.5 पौवे का न्यूक्लियर बम है, 2 पौवे का है, मतलब अपने मुंह में डालो और चबा लो।
हम नहीं डरेंगे, हमारे 150 हमारे पास 200 किलो टन का बम है, एक पड़ेगी 100 सोनार की, एक लोहार की, तुम्हारा बैंड बढ़ जाएगा, तुम्हारे देश में अगले 800 साल अनाज का दाना पैदा नहीं होगा। मियां सुन लेना पहले उसके कुछ करने के। ठंडे पसीने आ गए, चुप होके बैठ गए। चीन ने देखा कि यार ये पाकिस्तान, हमको कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ रही थी, पाकिस्तान हिंदुस्तान को नचा के रखा हुआ था 30 साल, ये तो अब डर गए हैं कि ये भारतवर्ष तो चढ़ जाएगा। तो चीन ने बोला, ये जो पिछले साल जो चीन आया है किस लिए आया, आपने कभी सोचा? Why did China do what it did at the time of COVID? भाई जिस देश में महामारी पैंडेमिक फैली हो, क्या वो और देशों पे जाके हमले शुरू करता है? पैंडेमिक इन्होंने छोड़ी, कोविड चीनियों की देन है। किसी को कोई डाउट है, मैं आपको पूरा, मैंने किताब लिखी है एविडेंस इकट्ठे करके, इसका नाम है थंडर ड्रैगन द कोविड स्ट्राइक, प्लीज पढ़ लीजिए, सारे सबूत मैंने दिए। देखिए साहब, बात ऐसी है, 1962 में जो चीनी फौज आपको टकरी थी, वो 30 साल से सिविल वॉर लड़ रही थी कुओमिंटांग के साथ, वो जीत के जब पीआरसी बनी 49 में, 1950 में वो अमेरिका से टक्कर ले ली कोरिया में, 3 साल लड़े वो उससे, और वो उस वक्त वो लड़ लड़ के पक्की फौज हो गई थी। फिर साहब वो लड़ी तिब्बत में खाम्पा गुरिल्लास के बरखिलाफ 8 साल, फिर इस फौज ने हम पे चढ़ाई की, तब हमारे, आप जानते हैं, नेहरू जी का उस वक्त शासन था और पंचशील का जमाना था और अहिंसा परमो धर्म की बड़ी बड़ी बातें होती थी, फिर बातें ही करते रह गए साहब, पिटे मार खाई, होश हवास उड़ गए, लेकिन अकल आ गई, थैंक गॉड, और वो बेचारे परलोक से धार गए। और शास्त्री जी ने फिर बोला, साहब जो चाहिए लीजिए, एक्सपेंशन करना है करिए, और वाई वी चौहान साहब मिनिस्टर थे डिफेंस, बोले साहब जो चाहिए फौज को दो, तो फिर जाके हमारी फौज संभली, सुधरी और ठीक हुई। लेकिन आजकल जो चीन की फौज है उसको लड़े 42 साल हो गए, ये समझिए। कई लोग खौफ खा जाते हैं, चीन बड़ा भारी देश है साहब, उसका बजट हमसे 5 गुना 10 गुना ज्यादा है, डिफेंस बजट 4 गुना ज्यादा है। अरे ज्यादा हो तो क्या है, ये लड़ने लायक नहीं है। चीन की आबादी पिछले कोई 30 साल से सिंगल चाइल्ड फैमिली पे चल रही। आप मुझे बताइए, अगर जिस घर में इकलौता बच्चा है आप उसको जंग में भेजेंगे, कोई माँ बाप भेजेगा? क्या वो मरना चाहेगा? वो हम लोग वॉलंटियर होके आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में जाते हैं, पूरी 37 साल मैंने वर्दी डाली है एज एन ऑफिसर, 4 साल ट्रेनिंग के ले लो तो 41 साल बूट डाले मैंने, ठीक है साहब। लेकिन ये जो चीनी सिपाही हैं, ये 4 साल की कंस्क्रिप्शन के लिए आते हैं, और 4 साल उसका फलसफा होता है, जान बची तो लाखों पाए, घर के बुद्धू घर को आए। अरे यार एक टुकड़े में घर पहुंच जाओ, मम्मी पापा के पास आराम से रहो, कौन मरना चाहता है फौज में? ये है चीन की फौज की आज की हालात। तभी जब गलवान में लड़ाई हुई हमारे जाटों मराठों सिखों अहीरो राजपूतों के साथ, तो उन्होंने कमर तोड़ दी इनकी। हमारे ठीक है, एक कर्नल 20 मरे क्योंकि हमको धोखे से पकड़ा था, पहाड़ के ऊपर से पत्थर बरसाने शुरू किए थे नुकीले, ठीक है, और पहले से वो बैठ बना के रखे थे बार्ड वायर के साथ और कील के साथ, और ये वो हम लोग गए थे सीधा अपनी खाली बेनट और वो लेके, गोली चलाने के आदेश नहीं था, फिर भी हमारे लड़कों ने 100 के ऊपर मार डाले, हमारे जाटों ने, हमारे सरदारों ने, राजपूतों ने, मराठों ने 100 के ऊपर रगड़ दी, होश हवास की बत्ती उड़ गई, जिसको बोलते ना बत्ती बंद हो गई। और तब से देखो कितना सुर बदल गए। ये आए थे पाकिस्तान को बोलने, मैं हूं ना, करो करो, भारत को दो इनको, तंग करो, उंगली दो इनको, ठीक है, और उंगली टूट गई, यू सी दैट इज द ब्लडी प्रॉब्लम। फिर इन लोगों ने ये जो है ये सारा ये कोविड शोविड का चक्कर, जब सीधे नहीं लड़ सकते तो कमीनों की तरह लड़ो, कुत्तों की तरह लड़ो, सीधे नहीं लड़ सकते, अरे इतना मर्द है, मर्द मराठा से लड़ो, हमारे मर्द मराठे से, तुम्हें बता देगा, तेरी केकड़ी भी दबा देगा, केटवा तोड़ देगा, तुम्हारा गर्दन तोड़िए गर्दन इनकी,
हाथों से गर्दनें तोड़ी हैं हमारे लड़कों ने, भागे वापस लाशों के ढेर लग गए वहां पे। ठीक है, जनरल जोशी हैं, वो भी आपके इसी इलाके के हैं, उन्होंने मेरे को बताया, कहते साहब 67 स्ट्रेचर तो हमने काउंट किए, उसके बाद जो हेलीकॉप्टर ले जा रहे थे वो तो बाकी अलग है। तो बोले साहब हमारे मरे हैं 3 और फिर 2 घायल हुए, वो बाद में मर गए 5। अमेरिकन इंटेलिजेंस बोलती है 37, रूसी इंटेलिजेंस बोलती है 45, और जो चीन से खबर निकल के आई है वो 100 के ऊपर, जिसको ये दबार है। तो ये लड़ने लायक नहीं है साहब, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये हैं अब कमीने दुश्मन। जो दुश्मन एक तो होता ना योद्धा, लड़ते हुए भी चाहे उसको मार डाले उसकी इज्जत करेंगे, यार बड़ी मान गए, बंदा शेर था साला, यू नो, एक फौजी दूसरे फौजी की, बहादुर फौजी की इज्जत करता है। ये धकियानूसी, जटियल, कमीने, नीच, बजात, ये है, ये हो गए। और अब ये कोरोना से लड़ रहे साहब, एक कोरोना वायरस खत्म हुई दूसरी चालू करी है, दूसरी खत्म हुई तीसरी चालू करी है, ये लड़ने का तरीका है साहब। इस देश को तो आड़े हाथ दुनिया को मिल के लेना चाहिए। पाकिस्तान सबसे बड़ा पीछे लग्गू, पाकिस्तान ने तालिबान को अमेरिका ने वहां पे जितवा दिया, जब तक ट्रंप साहब थे वो बहुत भारत के फेवर में थे, बाइडन साहब आए जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे वो पाकिस्तान गए थे, उनको हाईएस्ट नेशनल अवॉनर, ये इनको चाटुकारिता बड़ी अच्छी आती है पाकिस्तानियों को, चाटुकारिता बड़ी अच्छी आती, तो इन्होंने उसको सबसे ऊंचा अवार्ड दिया पाकिस्तान का। तब से बाइडन साहब जो है वो तो पाकिस्तान को बिक चुके हैं, और उनके जो बेटे हैं उनकी कंपनी पूरी चीन से ट्रेडिंग कर रही है। ये लड़ने से रहे, ठीक है साहब, ये लड़ने से रहे, क्वाड हो, ये हो, वो हो, ये लड़ने से रहे, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं आपको डरने की जरूरत नहीं। अरे हम काफी हैं, मर्द मराठा काफी है, किसी की और की जरूरत नहीं हमको। हमको टेक्नोलॉजी चाहिए, वो हम लेंगे, हमारे पास पैसा है, रूस से खरीदेंगे, फ्रांस से लेंगे, इसराइल से लेंगे, जहां से भी मर्जी लें हम लेंगे, और अब हम अपनी खुद बनानी शुरू कर दी। हम तुम्हारे नाको चने चबा देंगे, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे दोनों मिलके आए। वहां पे साहब तालिबान अमेरिका के वो आशीर्वाद से पाकिस्तान ने मिठाई, $80 बिलियन के हथियार अमरीकी पाकिस्तान के लिए छोड़ के गए, और हमको अपने दोस्त बोलते हैं। अरे साहब ऐसे दोस्त हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है, आप हमारे दुश्मनों को $80 बिलियन देंगे तो हमको दुश्मन की क्या जरूरत है। तभी हम देख रहे हैं कि हमारा रूस से फिर समीकरण गठजोड़ बढ़ रहा है। एक और है देश तुर्की, वो अपने आप को खलीफा समझते हैं एर्दोगान। तो मैं एक बारी टीवी चैनल पे गया ग्रीस की, और तुर्की वाले मेरे से सवाल पूछ रहे थे कि हम तो साहब वो 3,000 सीरियन टेररिस्ट तैयार कर रहे हैं कश्मीर में भेजने, तेरे बाप का राज है, तेरे बाप की सौगात है क्या कश्मीर, तू बैठा है उधर तुर्की में, तू सीरिया की तरफ मुंह कर जो तेरे बॉर्डर वाला है, तू इराक की तरफ मुंह कर, तेरे को हिंदुस्तान से क्या लेना देना, साहब मैं सुल्तान बनूंगा, अबे तेरी सल्तनत हम उड़ा देंगे न्यूक्लियर बम की धुएं में, हमारा अग्नि 5 ना अंकारा को उड़ा देगा, तुम्हारी खाक नहीं मिलेगी, सुल्तान बन लेना, खाक का राख का सुल्तान, राख, ठीक है साहब। एक बारी ये हमने धीरे से ये इनको सुना दी धमकी, बदले बदले सुर नजर आ रहे, ये दुनिया साहब जिसकी लाठी उसकी भैंस, आप गांधीगिरी करोगे चरखे काटते रहो तुम पिटोगे, तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाए। अब जमाना आ गया है अगली महाभारत आने वाली, आप जो कर लो वो महाभारत युग के अंत में, युगांत में होती है, जब वो द्वापर युग खत्म हो रहा था तब महाभारत हुई, अब कलयुग खत्म होने वाला है, महाभारत होके रहेगी, कर लो जो करना। तो इसलिए आप बच्चों को तैयार कर लें, मर्द मराठे हैं लड़ेंगे, सख्त हड्डी वाले इनको भेजो तैयार करके, और क्यों जवान ही क्यों बने हमारे लोग, अफसर क्यों नहीं बने, लीड क्यों ना करें, यू लीड फ्रॉम द फ्रंट, एक ही ऑर्डर है भारतीय फौज के अंदर, फॉलो मी, मेरे पीछे मूव,
ये कंधे इतने चौड़े हैं कि पूरी पलटन सिंगल फाइल में मेरे पीछे खड़ी हो सकती है। लड़ाई के मैदान में जहां खतरा सबसे ज्यादा, वहां मैं सबसे आगे। बस लीडरशिप का और कोई असूल नहीं, यही प्रिंसिपल है। और अब समय आ गया है कि हम अपने पुराने पुरुषार्थ पे आए, जो वेदों के जमाने में था। रथी महारथी वीर हो, वीर भोग्या वसुंधरा, वीर ही इस धरती को भोगते हैं। ये कायर मरमर के मरने वाले, ये अहिंसा वाले, ये सत्याग्रह वाले, ये तुम डुबो के मराओगे, डुबो के मराओगे। जितनी जल्दी हमारी निजात हो अब इससे उतना अच्छा है। इतनी विनती करके मैं बहुत आभारी हूँ एक बार फिर भोंसला कॉलेज और मिलिट्री स्कूल का कि आपने इज्जत बख्शी, मेरे को बुलाया और एक आपने सुनहरा सुअवसर दिया अपने गुरु महाराज के आश्रम के दर्शन करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। Thank you, sir. Thank you very much. With the permission of General Bakshi, sir, we can have 5 questions. Yes, sir. हेलो हेलो चेक। ओहो अच्छा सॉरी, आई थॉट यू थिंकिंग ऑफ संतोष बाबू। हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। देखिए साहब, पिछली जो कांग्रेस सरकार थी, अब मैं आई एम अ नॉन पॉलिटिकल पर्सन, मेरे को दो धेले का फर्क नहीं पड़ता कौन सी पार्टी बैठी है कौन सी नहीं बैठी, मैं रिटायर होके आनंद ले रहा हूँ। ठीक है साहब, बिल्कुल मुक्त कंठ से मैं बात करता हूँ। ठीक है साहब, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, बहुत भद्दा और बहुत नीच जो चीज हुई, जब 26/11 हुआ, ठीक है साहब, तत्कालीन सरकार पे जबरदस्त दबाव पड़ा, 166 मार दिए यार, अब तो करो, बेशरम वाहियात, अब तो कुछ करो। ये कुछ करने की सोच रहे थे, इन्होंने एयर चीफ साहब से पूछा, फाली होमी मेजर, एयर चीफ मार्शल फाली होमी मेजर, वो मेरे, मैं उनको बहुत अच्छी तरह से व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। बुड्ढे होने का ये फायदा है कि सारे जो सीनियर हैं वो हमारे साथ के। ठीक है, तो मैंने उनसे बात कर रहा था, कहते जीडी द गवर्नमेंट आस्क्ड मी कैन यू डू समथिंग, बोले कि साहब आप आदेश दे दीजिए, बता दीजिए ये टारगेट उड़वा देनी है, हम उड़ा देंगे। हाँ, हो सकता है कुछ सिविलियन मर जाए तो वो फिर आप ज्यादा उस वक्त रोना धोना मत, ह्यूमन राइट हो गए, बे हो गया, वो हो गया। अबे हमारे मारे मार मार के सिविलियन नहीं मार रहे, जावेरी बाजार में अहमदाबाद के हॉस्पिटल के बाहर सिविलियन नहीं मार रहे, हमने ठेका ने रखा है वहां कोलैटरल डैमेज बचाने का, तुम करो, तुमको साले एक मारा मारो, हम तुम्हारे 100 मारेंगे, ये इजरायली टेक्निक। तब अमेरिका लड़ रहा था अफगानिस्तान में, सप्लाई कहां से जा रही थी, क्वेटा से, पेशावर से साहब, ठीक है कि नहीं। तो अमेरिकन ने बोला इस सरकार को कि साहब आप कुछ नहीं करेंगे, हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मेरा सीधा सवाल है, क्या भारत इज द 51st स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? क्या हम उनके कॉलोनी हैं? क्या हम उनका 91वीं जो है स्टेट है? आर वी अ स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? हमको अपने लोगों को देखना है या अमेरिका के लोगों को संभालना है? प्राथमिकता कहां है? गोरे हो तो क्या, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिलवा ले, ठीक है साहब। तो उन्होंने मना कर दिया और यह सरकार ने कख नहीं किया, जबकि एयरफोर्स ने कहा था साहब आप आदेश दीजिए, आदेश आपको देना है, ये डेमोक्रेसी है। तो साहब इन्होंने कुछ नहीं किया और तब से ये चिंतित हो रहे थे कि साहब देश में आक्रोश बहुत पनप रहा है। तो इन्होंने बड़ी चतुर चाल चली, हिंदू टेरर, ठीक है साहब, और एक
मूवी थी एक, ये वो बोले ना ये मूवी के थ्रू ये प्रचार पहले से सेटिंग कर रहे थे, मैं हूं ना, नाम सुना है शाहरुख खान की मूवी, उसमें क्या दिखाया है, हिंदू टेरर हिंदू वो भी हिंदू बोलो यार, HINDOO हिंदू टेरर। जो आपको जानते हैं, जब डेविड कोलमैन हेडली आया रेकी करने मुंबई में आया, महेश भट्ट के साथ था, किसके किसके साथ था, हा? वो यहां से ले गया क्या, ये क्या है मौली, वो 10 के 10 टेररिस्ट मौली डाल के आए थे, हेलो मैं आपको 10 के 10 टेररिस्ट मौली डाल के आए थे, किताब तैयार थी 26/11 का रहस्य हिंदू टेरर, किताब हमले के पहले तैयार थी, ठीक है साहब। ये तो धन्य है यार, वो तुम्हारा वीर मराठा तुकाराम अमले, तुकाराम अमले सल्यूट करो देशवासियों, नायक था फौज का। नायक था आर्मी का, भर्ती हो गया जाके वापस मुंबई पुलिस में, महाराष्ट्र पुलिस में, लाठी थी हाथ में जब ये अजमल अमीर कासाब का कुत्ता वहां पे बछारे मार के आदमी वो औरतें बच्चे मार रहा था, अरे ये शेर जाके उस पर लाठी लेके चढ़ गया यार, कोई 23 तो कह रहे हैं गोली खाई छाती में, ऐसा जब भी मार लिया जैसे कुश्ती वाला मारता है पहलवान, वो टट करके मैगजीन खत्म कर दी, इतने छोड़ा नहीं, जिंदा पकड़ा अजमल अमीर कसब को, अगर जिंदा ना पकड़ा होता साहब तो ये हिंदू टेरर तो साहब बिल्कुल फिट कर दिया था, और बेचारा पुरोहित जिसको पता चल गया था इसका, उसको खत्म करना चाहते थे, उसको बेचारे गरीब को यार उसका करियर रुइन किया, उसको टॉर्चर किया, बे इंतहा टॉर्चर किया। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन एक ऊपर वाला भी है जिन्होंने टॉर्चर किया, वो ग्वाची गां, हमारे पंजाबी में बोलते हैं ग्वाची गां, ग्वाची गां पता क्या होता है, गुम गाय, यहां का बिचारी बिचारी ऐसे ग्वाची गां की तरह कुछ लोग घूम रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो आए टेरर धार 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 करके मारे, तुम कर क्या रहे थे यार, अगर तुम्हें लड़ना नहीं आता तो हेडक्वार्टर में तो बैठो यार, अपनी कुर्सी गर्म रखो, लड़ तुम सकते नहीं है, इधर 2 टेररिस्ट वहां पे, तुम 4 और तुम, खैर ज्यादा नहीं बोलूंगा, जबान ज्यादा नहीं खोलूंगा, लेकिन इससे घृणित चाल हमने आज तक नहीं देखी, तुम में मादा नहीं, पाकिस्तान को कुछ करो, अमेरिका ने घुड़की मारी, तुम दबा के कुर्सी के नीचे बैठ गए, और फिर अपने ऊपर से दबाव हटाने के लिए तुमने ऐसी घिनौनी चाल चली, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरना भी नसीब नहीं, और किसी दिन किसी को इसके ऊपर इंक्वायरी करके एक्शन लेना चाहिए, ये यही देश है कि वो निकल गए, वो यही देश है कि वो निकल गए, इतना ही मैं कहूं, बाकी अलग से। थैंक यू सर, ही स्टिल सर लेफ्टिनेंट कर्नल, ही स्टिल लेफ्टिनेंट कर्नल, यू कांट गेट अ चैप डाउन फ्रॉम लेफ्टिनेंट कर्नल, प्रेस योर हार्ट, वी टेक सम अदर क्वेश्चंस आल्सो, I would also blame the then army chief. Okay? I would also like, if I was an army chief then, I said, आप मेरे लड़कियों को कैसे हाथ लगा रहे हो? मेरे पास कोर्ट मार्शल करने की ताकत है, अब मेरे को दो, मेरा लड़का है, मैं डील करूं, ले जाओ मारो पीटो कुछ भी करो, अभी तो आप कर क्या रहे? खैर आदर्श हमने देख लिए थे, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, आदर्श कॉलोनी में देख लिया। चलिए नेक्स्ट प्लीज, या पीओके इंडिया में मर्ज करने के लिए बातें कम काम ज्यादा, आप तैयारी करो, आप हथियार जब खरीदने शुरू करोगे अच्छी स्पीड पे, सबको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है आगे, आगे आगे होने क्या वाला है,
बातें काम काम ज्यादा, ये चीजें अनाउंस करके थोड़ी ना की जाती कि हम कल जाके साहब वहां हमला करेंगे, वो तो पहले तैयार होके बैठ जाए। आप तो बोलो साहब हम तो मरे हुए गांधीवादी हैं, हम तो साहब अहिंसावादी हैं, हम तो ये, और जिस दिन मारो ऐसी मार मारो कि जबड़ा टूट जाए, खून गिरे नाक से, ये करने का टाइम आ गया है। और इंशाल्लाह या अकलमंदी है भाई, चाणक्य नीति है, मेरे को राष्ट्रहित सर्वोपरि, देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देर आर नो परमानेंट एनिमीज, सब राष्ट्रहित के ऊपर है। आज मेरे राष्ट्रहित सीधा हो रहा है तो मैं जाऊंगा रूस के साथ, कल रूस जो है चीन का ज्यादा सक्का बन जाता है, मैं जाऊंगा अमेरिका पास, क्यों ना जाऊं। अरे साहब मेरे को मेरा देश प्यारा है, मेरे देश से बड़ी कोई चीज नहीं, बाकी सब देश कहीं नहीं आते मेरे लिए, जहां मेरा फायदा हो रहा है, मेरे राष्ट्र का, मेरे देश का, मैं वहां जाऊंगा, क्यों ना जाऊं। और आज यहां से बदली होके वहां आना, तो क्यों ना बदली, क्यों भाई किसी ने बोला है रूढ़ीवादी होके बैठ जाओ, हमने प्रण लिया था कि हम नॉन अलाइंड होंगे, हम सबसे बराबर रहेंगे, क्यों बराबर रहेंगे, वो चढ़ के चीन तो मेरे पे हमला कर रहा है, उससे भी बराबर रहोगे। इसी देखिए जो पिछली कोल्ड वॉर थी उसमें अमेरिका की भी आपसे कोई बाउंड्री नहीं थी, रूस की भी कोई बाउंड्री नहीं थी, चीन का आपसे बड़ा लंबा चौड़ा बॉर्डर है, वो कैसे तटस्थ हो सकते हो आप, वो लद्दाख में चढ़ रहा है, अरुणाचल में चढ़ रहा है, आप बोले साहब मैं तो नॉन अलाइंड हूं, तुम नॉन अलाइंड हो तो यार तो तुम चूरन खाओ हम क्या करें। यू लुक आफ्टर योर नेशन इंटरेस्ट, फॉलो द नेशनल इंटरेस्ट, दैट्स इट, ओनली डिक्टम। वी टेक सम अदर क्वेश्चन। हाँ यस आप बताइए या मुझे तो बहुत महत्व लगता है साहब, क्योंकि हम सब भारतीय हैं तो हम सब बराबर हैं, फिर हमें ना कोई क्या कहते हैं अपर कास्ट लोअर कास्ट शेड्यूल कास्ट नो कास्ट दिस कास्ट दैट कास्ट कुछ नहीं, वी आर ऑल इक्वल, हम सब धर्म समभाव, सब धर्म समभाव। एंड बाकी सारे देशों में एडवांस सेक्युलर कंट्रीज में देयर इज, इन अमेरिका देयर इज अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, देयर आर नो सेपरेट कोड्स फॉर दिस रिलीजन दैट दिस रिलीजन, कम टू व्हाट इज नॉर्मल। मैं बोलूं साहब मुझे तीन तलाक बोलूं और बस गया, यू नो वो भी बेचारी भारत की नारी है, उसका भी क्लेश दुख उतना ही है जितने किसी और धर्म का भी होगा, पढ़े लिखे बच्चे हैं वहां पे, सब जगह पढ़े लिखे बच्चे हैं, इंडियंस डिग्निटी ऑफ इंडियंस मस्ट बी मेंटेन। जो कुछ सबसे ज्यादा अच्छा है कि अगर आप समझते हैं कि मेरे धर्म में कुछ रूढ़िवादी प्रथाएं हैं, ये है वो है, तो आप खुद उनको ठीक करें इसके पहले कि बाहर वाले आके ठीक करना शुरू करें। बेस्ट रिफॉर्म इज सेल्फ रिफॉर्म, जो मैं अंदर से करूं, लेट इट कम फ्रॉम विद इन, बेस्ट। पर अगर बहुत करने के बाद भी नहीं आता, देन एट ऑल सिटीजंस हैव टू बी इक्वल, यू कांट हैव अ सेपरेट रूल फॉर मी, सेपरेट रूल फॉर यू, सेपरेट रूल फॉर हिम। सो एट अ टाइम वी विल हैव टू गेट टू ऑल डेमोक्रेसीज आर देयर, अमेरिका इज देयर, होल ऑफ यूरोप इज देयर, इज अ कॉमन सिविल कोड, फ्रांस में कॉमन सिविल कोड, इसराइल में कॉमन सिविल कोड, वो तो इट इज साइंटिफिक, इट इज डेमोक्रेटिक, इट इज डेमोक्रेटिक। Question for student. Yes. देखो बेटा हिम्मते मर्द मददे खुदा, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आज के दिन आपकी आजादी है 1.4 बिलियन, 1.4 अरब भारतीय हैं, एंड वी हैव द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, 50% भारतीय 25 वर्ष की आयु के नीचे हैं, तुम्हारे जैसे मेरे जैसे बुढ़े नहीं है। चीन बूढ़ा हो रहा है, रूस बूढ़ा हो रहा है, जापान बूढ़ा हो रहा है, अमेरिका इज एजिंग, यूरोप हैज एज्ड, रशिया इज एज्ड वेरी बैडली। आज फौज खड़ी करनी है भारत से, बड़ी फौज, यंगर फौज, तगड़ी फौज कोई खड़ा नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजी में हमारे में क्या कमी है, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब,
अगर बहुत आफत आ गई, पानी सर के ऊपर चला गया, हम बीजिंग को धुएं में उड़ा देंगे, हम इस्लामाबाद की रेत बना देंगे, तपती रेत। लगा सकता है कोई हाथ? वी कैन टेक ऑन बोथ इफ रिक्वायर्ड एंड गिव देम बोथ अ ब्लडी नोज, प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड। यस, क्वेश्चन फ्रॉम दिस साइड। यस, I don't think we are lagging behind, we are catching up. You know, हम लोगों में देखो बेटा एक आदत है, वो बोलते ना आदत से मजबूर दस्तूर, कि साहब हमको देखिए जब हमला किया था अलेक्जेंडर ने पोरस के ऊपर, भारतवर्ष के ऊपर पहली टक्कर हुई पोरस की, पोरस के साथ, पोरस के 250-300 हाथी थे, ठीक है साहब, 250-300 हाथी थे पोरस के, वो थर्रा के हिला दिया यमन फौज को, उनके होश हवास के तो फाखते उड़ गए, बड़ी मुश्किल से बच पाए, क्योंकि उनकी जो नफरी थी वो चार गुना ज्यादा थी पोरस से। ये जो कहानी ना कि वो 40,000 की फौज लेके आया अलेक्जेंडर और जीत गया इसकी इतनी हजार की फौज से, बकवास है, क्योंकि आपने उसमें से जो 40,000 की फौज ग्रीस थी, 70,000 ईरानी नहीं गिने, सेंट्रल एशियंस नहीं गिने, वो तो 1,40,000 के करीब थे, और ये 28,000 की फौज से तुम्हारी होश आवाज के फाकते उड़ा दिए, क्योंकि हाथी देख के ग्रीक डर गए। चाणक्य ने जब उस वक्त देखा, उसने देखा कि जो रथ थे हमारे, वो जब नदी के किनारे, रावी के किनारे युद्ध हुआ, किचड़ में धस गए, फंस गए, जो महारथी रह गए पीछे, फौजें चल गई आगे जोश में, कमांड एंड कंट्रोल खत्म हो गया। तो उसने कहा ये रथ बेकार है, रथों को हटाओ, रथों को केवल सेरिमोनियल परेड के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है, 26 जनवरी के लिए। उन्होंने हाथी को मेन आर्म बनाया, 3,000 हाथी थे नंद सेना में, उसने 9,000 हाथी किए मौर्य सेना में, और पूरे भारतवर्ष पे कब्जा कर लिया। ये 3rd century BC की बात है। पूरे भारत का एकीकरण किसने पहले किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, कौटिल्य चाणक्य के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था उसका, तब से हमने साहब की सबसे अच्छी चीज हाथी। अब साहब 10वीं सदी तक तोपें बन गई, मस्केट्स बन गए, दारूद बन गया, अब तो हाथी को छोड़ो, अब चिमट के बैठ गए हाथी को साहब। मैं ना मानू भाई साहब, ये मेरे बाप दादा ऐसे लड़े तो मैं भी ऐसे लड़ूंगा, ना, यू हैव टू कीप अप विद टाइम, यू हैव टू कीप अप विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हम क्यों हारे मुगलों से, हम क्यों हारे मंगोल से, हम क्यों हारे पठान से? क्या वो ज्यादा ताकतवर थे, ज्यादा ज्यादा खाना खाया था? नहीं साहब, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। वो इसलिए हारे कि आप टेक्नोलॉजिकली यू डिड नॉट कीप पेस, यू डिड नॉट कीप पेस विद सीज आर्टिलरी, फील्ड आर्टिलरी, मस्केट्स। इसकी वजह से 40,000 की फौज से बाबर ने इब्राहिम लोदी का बैंड बजा दिया 1.5 लाख का। यू हैव टू कीप पेस विद टेक्नोलॉजी। अब ड्रोन आ रहे हैं और बोले साहब नहीं, मैं ड्रोन नहीं इस्तेमाल करूंगा, मैं फाइटर पायलट ही, बहुत अच्छा रोमांटिक लगता है, फिर रोमांस करते रहो आप। या यस जी, अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, और बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल, आपको प्रोएक्टिव, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव, इसके पहले कि हमला आए आप चढ़ बैठो। उसमें सिर्फ एक चीज है कि दुनिया को बताना, और दुनिया को फिर वो बोलेंगे साहब आपने हमला किया, आपने, यू आर दी एग्रेसर। तो इसके लिए चतुर काम ये होता है जो हमने 1971 में किया, सब तैयारी कर ली, फिर रोज झोंकना शुरू किया, उंगली देनी शुरू की। इतना तंग किया पाकिस्तान को कि 3 दिसंबर को याया खान ने पहला हमला कर दिया हमारे एयर बेसिस पे। हमारा इंटेलिजेंस का एजेंट उनके एयर हेडक्वार्टर में था, उसने पूरा हमको 4 दिन पहले लिस्ट दे दी कि साहब ये इतने बजे हमला होगा। हमने हमला होना दिया, दुनिया भर को दिखाया, देखो साहब देखो देखो, इसने किया, इसने किया,
और जो पहले सुनियोजित प्लान था वो लेके हम चढ़ गए 13 दिन में पाकिस्तान खलास खलास. दैट इज द वे टू गो, दैट इज द वे टू गो. यस सर. जी क्या कर रही है? हाँ, एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन. यस जी. देखिए साहब, मैं इस लेक्चर के बीच में मैंने आपको बताया था कि द वे टू गो इज प्राइवेटाइजेशन. हमको आर्म्स इंडस्ट्री अपने देश में खड़ी करनी है और प्राइवेट सेक्टर में खड़ी करनी. अरे भाई, अमेरिका का जनरल एटॉमिक्स, लॉकहीड मार्टिन, मैकडॉनल्ड डगलस, ये देखो ये फॉर्म्स क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं बनाया है. जापान की फॉर्म देख लो, मित्सुबिशी, ये वो, और कोरिया की फॉर्म्स देख लो. चाइना भी अपनी जो पब्लिक सेक्टर फॉर्म्स को प्राइवेटाइज कर रहा है. हमने भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को प्राइवेटाइज किया है. दैट इज द वे टू गो. प्राइवेटेशन, प्राइवेटाइजेशन लीड्स टू कंपटीशन, कंपटीशन लीड्स टू वैल्यू इंजीनियरिंग ऑफ द प्रोडक्ट. रूस में भी जो पब्लिक सेक्टर ब्यूरोज थे, इल्यूजन डिजाइन ब्यूरो, विकोयान डिजाइन ब्यूरो, याकोलाव डिजाइन ब्यूरो, वो एक दूसरे को कंपीट कराते थे. कॉम्पिटिशन वो है तरीका, यू नो, टू वैल्यू इंजीनियर अ प्रोडक्ट. और आपका सवाल बिल्कुल सही है कि एंटरप्रेन्योरशिप, आजकल आप केजरीवाल साहब के बहुत एड्स देख रहे होंगे सारे टेलीविजन पे कि हम एंटरप्रेन्योर्स खड़े कर रहे हैं, नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी देने वाले. इट्स अ गुड थॉट, गुड थॉट, प्रोवाइडिंग केवल ड्रामे के बजाय कुछ किया भी जाए. तो ये दैट इज द वे टू गो. प्राइवेटाइजेशन, एंटरप्रेन्योरियल एनर्जीज को अनलीश करें. यू सी, वो बेचारा बच्चा वो कोटा के मारे में नहीं मारा जाएगा, वो अपनी बिजनेस कर रहा है. उसमें भी आप बोलो कि हम इसमें भी कोटा आएगा, इतना परसेंट इसका, इतना परसेंट इसका, बस आप वो गुणवत्ता ही करते रह जाओगे वहां पे. अब वे टू गो इज प्राइवेटाइजेशन, और वो होनी शुरू हो गई. बाबा कल्याणी फोर्स से मैं जाके मिला था. वो देखो, उन्होंने देखा कि यार हमारे देश में गन नहीं बन सकती. बोले साहब, हमारी मेटलर्जी बहुत वीक है. एक बारी मैं, मेरे को अब मैं क्या कई बातें बता सकता हूं लेकिन कह नहीं सकता, लेकिन ज्यादा प्राइवेट में आई कैन टेल यू. हमारे जो गन बैरल हैं वो बेस्ट हो रहे हैं. रशिया का डिजाइन है T-72 T-90 टैंक्स का, फर्स्ट क्लास डिजाइन. उनका गन बैरल एक नहीं बस्ट होता, हमारे गन बैरल भर, उसको बोलते हैं फ्लावरिंग. उसमें लड़का मर जाता है, उसका कॉन्फिडेंस हिल जाता है. यार एक टैंक में 40 गोले पड़े होते हैं यहाँ, और ऐसे जाके वो फटे, आग वापस आए तो क्या होगा अंदर बैठे आदमी का. तो मैंने कहा यार ये तो दिस इज टेरिबल, वाई कांट वी गेट मेटलर्जी राइट. तो एक वहां आर्मी इंडस्ट्री सेमिनार हो रहा था, तो मेरे को बहुत गुस्सा आया, तो मैंने खूब खरी खोटी सुनाई. तो ये लोग आए मेरे पास, कहते सर ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं कर सकते, आप हमारे आइए, आपको दिखाएं, बशर्ते कि आप हमको करने दें, आप हमको करने दें. अगर हम अमेरिकन लोकोमोटिव्स के लिए उनके एक्सल बना सकते हैं, जो हेवी ड्यूटी ट्रक्स के लिए अमेरिका में हम एक्सल बेच रहे हैं साहब, हमारी फोर्जिंग कमजोर है, अमेरिका में नहीं जा रही उठती. बोले साहब हम गन ला के देंगे. बाबा कल्याणी फौज ने बीड़ा उठाया, बाबा कल्याणी ने बीज, ये बीड़ा उठाया कि हम बनाएंगे साहब इंडिया में
155 मिलीमीटर गन, क्योंकि हमको ये जब कारगिल का युद्ध हो रहा था, मैं मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में था उस वक्त, मेरे हाथ से प्रपोजल गया, इसको बोलते हैं मीडियमाइजेशन ऑफ आर्टिलरी, कि पूरी जो हमारी तोपे हैं 75/24 मिलीमीटर, 105 मिलीमीटर, ठीक है 122 मिलीमीटर, 120 मिलीमीटर, 130 मिलीमीटर, 155, ये स्टैंडर्डाइज करो 155। अरे जब हथौड़ा पड़े तो जोर का पड़े यार, मच्छर की तरह क्या काटना, ठीक है मारो तो ऐसा मारो कि साला पता चले हथौड़ा 100 सोनार की 1 लोहार की, तेरे 100 गोले फायर हुए, ये बोफर चली एक भाम, और दिन में तारे नजर आते जहां बोफर का गोला गिरता, ठीक है साहब। तो बोले कि साहब मीडियमाइजेशन करेंगे, 1800 गन हमको चाहिए थी मीडियम गन, तब बोफर आने का सुंदर जी के टाइम सौदा हुआ था, 400 गन खरीदनी थी डायरेक्ट 450, और बाकी सब इंडिया में होनी थी, 450 उसने बेच दी, और जब इंडिया में बनने गन बनने का टाइम आया तो धीरे से स्वीडिश अखबारों में कि ये साहब इतने खाए हैं इसने, इतने पैसे खाए हैं इसने, और वो सारा ठप, और 40 साल हो गए साहब अभी तक गन आनी नहीं शुरू हुई है। ये जब रावत साहब आए तो पहली 155 मिलीमीटर गन लाए, ये आपकी अमेरिकन टाइटेनियम लाइट वेट 155 होविट्जर, फिर लाए वो K9 वज्रा कोरियन, ठीक है अपने देश में बन रही है, और अब कल्याणी फोर्ज, मैंने आपको बताई थी कहानी कि वो गन उसने बना दी, ये तो हमारे तो, तुम तो प्राइवेट कंपनी हो, हम तुम्हारी आर्टिलरी रेंज क्यों दें ट्रायल के लिए। वो बेचारा यूएसए गया, वहां ट्रायल करा के ले आया, नहीं वो तो फिर यूएसए ने करी है। देखिए एक सिस्टम भी है ना, इधर चाटू पैसे खाने की आदत हो जाती है, वो तो तुमने वहां किया, यहां करके दिखाओ, करिए साहब दीजिए रेंज दीजिए, करके दिखा दिया तो वो 48-49 किलोमीटर मार रही, इनको चाहिए थी 44-45 मार दे साहब, तो बोले बोले नहीं साहब 48 मार रही, तुम्हारा वजन ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मन बना लिया था कि साहब हमको या तो फ्रांस की चाहिए गन एल्टा, या फिर ये इजरायली गन चाहिए। बोले साहब ये तो हमने जाके, ये जब मेरे को खबर आई पर्सनल, तो मैं आर्मी चीफ नरावने साहब के पास गया और मैं रावत साहब के पास, रावत साहब दोनों ने बोला अच्छा ऐसी बात है, उन्होंने मिलके लिस्ट बनाई बैन, ये आइटम बाहर से नहीं खरीदे जाए, इंडिया में ही बने, करो जो करना, रो पिटो मरो खसमाणु खाओ जैसे पंजाबी में बोलते हैं, लेकिन बनेगा इंडिया में, और अब इंडिया में बन रहा है। उसमें मैं चाहता हूं बच्चे जो फौज में नहीं जा रहे, जो टेक्नोलॉजी का काम करना चाहते हैं, इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, इसमें लगो, ये प्राइवेट फॉर्म्स में जाओ या पता करो, जाके ADGPI से मिलो, WE डायरेक्टरेट वालों से मिलो, वो बहुत सारे सेमिनार कर रहे हैं, मैं करवा रहा हूं सेमिनार आर्मी और इंडस्ट्री के, आर्म्ड फोर्सेस और इंडस्ट्री के, आर्म्ड फोर्सेस पैरामिलिट्री फोर्सेस और इंडस्ट्री के, बहुत सारे छोटी छोटी चीजें चाहिए, नाइट विजन डिवाइसेस, ड्रोन, क्या प्रॉब्लम है ड्रोन बनाने में, वो फिल्मों के लिए ड्रोन बन रहे, तुम बनाओ ड्रोन स्वॉर्म्स, बनाओ स्वॉर्म टेक्नोलॉजी, करो एंटरप्रेन्योरशिप करो, और ये घबरा के नहीं कि साहब मैं, वो बोले ना डोंट कीप टेस्टिंग द वाटर्स, कि पानी ठंडा है या गर्म, अबे कूद मारो अंदर अपने आप तैरोगे, जंप मारो, जंप इनटू द वाटर, दैट्स व्हाट आई से। या सर शैल वी हैव लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट, यस किसका किसका एनआरसी CAA and NRC CAA and NRC could you just elucidate what do you imply by CAA and NRC because these abbreviations are a bit citizenship amendment act अब आप political मामले में जा रहे हैं तभी मैं एक मिनट के लिए चौंक गया कि ये फौज में कौन सा नया हथियार बना है जो मेरे को नहीं मालूम देखो बेटा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का मकसद है गुड क्वेश्चन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का मतलब ये है साहब कि हमारे जो बेचारे देखिए जब बांग्लादेश बना 3 मिलियन बंगाली मारे 1 मिलियन बंगाली औरतों की अस्मत लूटी इज्जत लूटी ठीक है साहब 10 मिलियन बंगाली
भारतवर्ष में खदेड़ दिए। क्या आप जानते हैं उनमें से 80% से ज्यादा हिंदू थे? अब साहब जो ये सब कॉन्टिनेंट का हिंदू है, अफगानिस्तान में तालिबान आई, हिंदू सिख मार के यहां भेज दो, ठीक है साहब? तो बात यह है कि वो जाएगा किधर, वो जाएगा किधर अब इसके बाद, जब तक आप उसको जगह ना दो। अब यहां बुला के उसकी तो कर दो ऐसी तैसी। जो रोहिंग्या है, मेरे को उनके धर्म से कोई मतलब नहीं। जो रोहिंग्या है वो दुनिया के सबसे बड़े तस्कर, ड्रग स्मगलर, ड्रग पेडलर, आर्म स्मगलर, ट्रैफिकर्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सबसे ज्यादा क्राइम्स इनके नाम पे, बाय डेटाबेस मैं बता रहा हूं। आई एम नॉट सेइंग बिकॉज ही इज रिलीजन ए बी और सी, आई एम सेइंग ये जो ग्रुप है ये तस्करी में इन्वॉल्व है। अच्छा, अब इनको बांग्लादेश, क्या कहते हैं, म्यांमार के बुद्धिस्ट फौज है उनकी। आपको मालूम है जब आजादी हुई थी वो जो रोहिंग्या है उन्होंने बोला हम पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, जिन्ना ने बोला मुझे नहीं चाहिए, जिन्ना ने बोला आई डोंट वॉन्ट दीज रोहिंग्या, मैं जानता हूं ये है क्या, ये तस्कर स्मगलर ड्रग पेडलर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। जैसे हमारी भी क्रिमिनल ट्राइब होती थी ना, ये फलाना सांसी, फलाना पिंडारी शिंडारी, क्या क्या बोलते थे लोग, ये क्रिमिनल ट्राइब है। तो बांग्लादेश, क्या कहते हैं, म्यांमार ने खदेड़ा, पाकिस्तान को नहीं चाहिए, सारे मुस्लिम कंट्रीज को नहीं चाहिए, सारा मुस्लिम कंट्रीज को नहीं चाहिए, सऊदी अरेबिया एक नहीं लिया, यूएई एक नहीं लिया, पाकिस्तान एक नहीं लिया, टर्की एक नहीं लिया, भारतवर्ष लेगा, भारतवर्ष लेगा, और लेगा और क्या करेगा साहब, नहीं जरा सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन बॉय। यू नो ये साहब ये जेएंडके में सेटल करेंगे, वहां ऑलरेडी प्रॉब्लम है आप जानते हैं, और कहां सेटल करेंगे, आर्मी कैंप के साथ, सुजवा कैंप के साथ बाहर, जो पूरा वो बस्ती बनाएंगे, ताकि जिस टेररिस्ट को आके रेकी करना है हमला करने के लिए, वो आके मामा मिया के साथ बैठ जाए, 3 दिन उसके घर में रहे, उसका खाना खाए, रोटी खाए, क्या करे और ना करे भगवान जाने, वहां से रेकी करे, देखे दूरबीन से, देखे घर की खिड़की से, देखे प्लान बनाए और चला जाए। आपको और कोई जगह नहीं मिली उनको सेटल करने की सिवाय जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर में आपको और कोई जगह नहीं मिली सिवाय आर्मी कैंप के बाहर बाउंड्री के साथ? साहब दाल में कुछ काला है। इसके लिए जब ये सब चीजें होती है तो फिर ये किया जाता है, फिर बवाल बनाओ, ये तो अनसेक्युलर है, ये तो ये है, तो फिर साहब वो सऊदी अरेबिया क्यों नहीं लेता, तुर्की क्यों नहीं लेता इनको, भारत ने क्यों ठेका ले रखा है इनको लेने का, हमारा तो कॉमन बॉर्डर भी नहीं है इनके साथ, हमारा कॉमन बॉर्डर भी नहीं है, तो व्हाई शुड वी हैव टू डू इट यार, हमने ठेका ले रखा है, यतीम खाना खोल रखा है, अपने लोग हम वापस नहीं ले सकते, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये इसके लिए ये एक्ट लाया गया था, इसका जो है सिक्योरिटी पर्पज है, सिक्योरिटी पर्पज। थैंक यू सर। या यू सी when you want to enslave a people, write their history. Is the American history written in Russia? Is the Chinese history written in the United States? I mean, you take European history, are Pakistanis writing European history? How is it that Indian history is the only history that has to be written either from England or from the United States of America, from Harvard? Pollock, Sheldon Pollock or ye or wo, they are the only experts on Indian history. You must own up to your history, because your intelligentsia, I am sorry to state, in this craze for, you know, secularization. Secularization is not anti-religion. What does the President of the United States take his oath on? I swear on God. I swear on the Holy Bible. Why not? See, why not? You please give me one good reason why not. Hey, you can't do it. Oh. Why not? Yeah. He belongs to so-and-so religion. Let him take it. He's a Sikh. Let him take it on the Guru Granth. You're a Christian. Take it on the Bible. You're a Muslim. Take it on the Holy Quran. You are a Indian. You are a Hindu. You take it on the Vedas. You know? The intelligentsia, the leftist liberal intelligentsia,
वो स्पेसिफिकली क्राफ्टेड इन द नेहरूवियन एरा कि जो अंग्रेज बोल गए हैं एक लाइन बदली नहीं हो सकती. द आर्यंस केम फ्रॉम आउटसाइड सेड मैक्स मुलर. आई वॉन्ट टू आस्क यू डिड मैक्स मुलर हैव एक्सेस टू सैटेलाइट डेटा. नो देवर नो सैटेलाइट देन. डिड मैक्स मुलर हैव एक्सेस टू रेडियो कार्बन डेटिंग. नो मैक्स मुलर वॉज अ क्लर्क ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है. डिड मैक्स मुलर हैव एक्सेस to hydrographic data of the North Indian plain? No. Did Max Muller have access to DNA population mapping? No. Did he have access to all this archaeological finding which has been done post-independence? No. Then how is his word the last word? No. Because we have a leftist liberal lobby in our academia which took a stranglehold on our academy. कि साहब जो अंग्रेज कह गए मैक्स मुलर कह गए पिया से ऐसा कलयुग आएगा. यू कांट चेंज अ ब्लडी लाइन. वी हैव एविडेंस नाउ दैट देयर वाज अ मैसिव रिवर कॉल्ड द सरस्वती. इट इज नॉट अ मिथ. सैटेलाइट्स हैव फोटोग्राफ्ड द ड्राई बेड ऑफ दैट रिवर फ्रॉम द हिमालयस टू द सी. 4,500 किलोमीटर्स लॉन्ग, 6 to 8 किलोमीटर्स वाइड. सैटेलाइट इमेजरी. ओके, आप बोले नहीं साहब मैक्स मुलर ने बोला नहीं है तो नहीं होगा. आई वॉज इन्वाइटेड टू द जेएनयू. आई सेड सर जस्ट बाय द वे आई एम ऑल्सो अ पीएचडी. ये दूसरी बात है कि पहले मेरी बेटी मेरी बहन ने पीएचडी करी, फिर मेरी बेटी ने पीएचडी करी, फिर शर्म आई तो मैंने भी पीएचडी करी आफ्टर रिटायरमेंट बाय द वे फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास. कोई मतलब 2% की यूनिवर्सिटी में जाके नहीं लिया, मैंने भी पीएचडी किया. आई हैव डन रिसर्च मेथोडोलॉजी. लेट्स टॉक ऑन एम्पिरिकल फैक्ट्स. नहीं साहब ये तो राइट विंग है, ये आरएसएस है, जीडी बख्शी दिस, जीडी बख्शी दैट. आई सेड यार टू हेल विद ऑल दो लेबल्स, टॉक फैक्ट्स. आप बैठिए इन एकेडमिक एटमोस्फियर, वी आर सपोज टू डिस्कस, वी विल नॉट अटेंड द सेमिनार. हू इज गॉट द क्लोज्ड माइंड? रोमिला थापड़ को बुलाया, द क्वीन हिस्टोरियन ऑफ आज. उनकी पीएचडी फर्जी मेरी असली काम किया हुआ, बहुत मेहनत की है. बट यू आर नॉट प्रिपेयर टू डिस्कस. द एसेंस इज डिबेट, डिस्कशन. यू प्रेजेंट योर फैक्ट्स, आई विल प्रेजेंट माय फैक्ट. लेट द पीपल डिसाइड, लेट द अदर एक्सपर्ट्स डिसाइड. यू सी, नो यू डोंट वांट टू डिस्कस. इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट्स फ्रॉम द मुगल्स. बस बाकी बंदर थे, नाटक करने वाले थे, पत्ते डाल के घूमते थे. नॉनसेंस. हिस्ट्री पढ़िए. दिस इज टॉकिंग लाइक अ इडियट बांशी. यू सी, टॉक ऑन फैक्ट्स, प्लीज गो बाय एम्पिरिकल फैक्ट्स. मैं नहीं कह रहा आप इतिहास का भगवाकरण करिए. सैफ्रनाइजेशन ऑफ हिस्ट्री इज अ वेरी पॉपुलर टर्म टू थ्रो. एंड नाउ वी आर फाइंडिंग पीपल who want to support every separatist, every terrorist, every tukde tukde gang. JNU mein baith ke aapke announcement lag rahe hain, Bharat Indian Army de ragda aur joote se aise aise kar rahe. Zara karke dikha, mere paas aata Kashmir mein, batata tere ko taise de ragda, I would have buried you underground. Indian Army koi mazak hai? The people dying for you. You want to, आपको फ्री फोकट का खाना सब्सिडाइज्ड मील का रेट मालूम है? जेएनयू का रेंट में बैठे बैठे 50 साल के पीएचडी कर रहे हैं. मैंने पीएचडी शुरू करी आखिरी ईयर ऑफ रिटायरमेंट में, 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद मैंने अपना पीएचडी का वो वाइवा वॉइसा दिया और ये वो, और मेरा वो प्रेजेंटेशन के बाद आई गॉट माई पीएचडी. 15 साल से पीएचडी हो रही है भाई. इतना सस्ता खाना कहां मिलता है? इतना सस्ता खाना कहां से मिलता है? वो बैठ के अब वो इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, दैट इज द प्रॉब्लम विच विल हैव टू बी टैकल्ड. यू कांट हैव अ स्लांट विच इज एंटी इंडियन. आप मेरे को गाली दे दो, जीडी बख्शी को गाली दो, फाइन. यू कांट गालो इंडिया. सॉरी सर, वी विल नॉट एक्सेप्ट. हमको वहां बोला कि साहब ये इंडिया का ट्राइकलर क्यों जेएनयू में फ्लाई कर रहा है? इमेजिन, इंडिया का तिरंगा जेएनयू में क्यों उड़ रहा है साहब?
हमने कहा साहब क्या ये यूएन मैंडेटेड टेरिटरी है? इज द सॉवरेनिटी ऑफ द जेएनयू टेकन अवे फ्रॉम इंडिया? वी वुड लाइक टू नो व्हेन एंड हु डिड इट। वहां एक बहुत अच्छा वाइस चांसलर आए, जगदीश, आईआईटी के प्रोफेसर, नॉन नॉनसेंस स्कॉलर। तो मैं उनसे जाके मिला, हमारी डेलीगेशन आर्मी के रिटायर्ड वेटरन्स, कि साहब हमने सुना है कि यहां पे ये तिरंगा झंडा से इनको चिढ़ है, ये नहीं चाहते तिरंगा झंडा जेएनयू के कैंपस में आए, तो सर आपकी परमिशन से हम यहां 3,500 फुट लंबा झंडा, तिरंगा झंडा लेके आना चाहते हैं। तो मेरे को बोला मेरे फौजी मित्रों ने कि जनरल साहब रिटायर हो गए, क्यों यार, अब तुम जनरल हो फौज के, तुम जाओगे कोई 2% का लौंडा तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंक दे या तुमको कुछ धक्का अक्का दे दे तो हम लोगों को बुरा लगेगा। मैंने कहा यार लेट अस सी, हमने अपने कुछ रिटायर्ड पहलवान जाट ये वो अहीर ये फलाने टिकाने में, तुम आओ बच्चों जरा साथ। बोला साहब जी जिथे मर्जी ले चलो हम चलते हैं। और गांव के लड़के पकड़े हमने, छतरपुर गांव, उन्होंने ये झंडा बनाया था 3,500 फुट का। तो जिस जेएनयू में 6x6 फुट का इंडियन झंडा नहीं पसंद था, हम वहां 3,500 फुट का हिंदुस्तानी झंडा। थैंक यू सर, मैं रिक्वेस्ट डॉक्टर सर एंड बलजावकर सर टू प्लीज कम ऑन द डायस। थैंक यू सर, थैंक यू सर। So, I am very thankful to you to motivate our Ramdandis and to address the gathering from Nasik. Definitely, these boys are definitely will be motivated by your speech, and definitely they will crack their NDA exam and also the SSB. Sir, from long days we are waiting for your blessings, and I think today you have given your blessings, and definitely hereafter our Ramdandis will come with the flying colors. Thank you, sir. I express my sincere thanks to General Bakshi, sir. I express my sincere thanks to Lipte, sir, Dr. Belgaonkar, sir, and also the society officials sitting off the dais, the press and the civilians who have come from Nasik, staff of CHMS Society and Ramdandis of Boslamati School and Boslamati College. Now may I call upon Bosla Military College girls for Vande Mataram, and may I request everyone, yeah, sabse pehle, okay, may I request everyone to please give a standing ovation to General Bakshi sir. Thank you. वंदे मातरम् सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम् वंदे मातरम् शुभ्र ज्योत्स्ना फुलकितयाम
शोभिनिम् सुहासिनिम् सुमधुरभाषिणिम् सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् भारत माता की जय। Thank you, sir. Last request, we will have a group photo with the working committee.